जांबाज हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यूज जाबाज एक सन उन्नीस सौ छियासी की भारतीय एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन फिरोज खान ने किया है जो नशीली दवाओं की लत और अनिल कपूर और डिंपल कपाड़िया की स्टीमी सेक्स से सीन के लिए चित्रण के लिए लोकप्रिय हुई श्रीदेवी एक कैमियो भूमिका में दिखाई दी उनके सुपरस्ट्राड्रम का फायदा उठाते हुए खान ने उन्हें हर हर किसी को नहीं मिलता यह प्यार जिंदगी में गाने का दिखाया जो चार्ट टॉपटिंग हिट बन गया और यह फिल्म किंग विडोर की फिल्म ड्यूएल इन द सन सन उन्नीस सौ छियालीस में काफ़ी प्रेरित रही इसके बाद फिल्म को संपादित फरोज खान ने किया संगीत कल्याण जी आनंद जी ने दिए रिलीज की तारीख 20 जून सन उन्नीस सौ छियासी कार्यक्रम एक सौ बयासी मिनट देश भारत भाषा हिंदी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और सहकलाकार कपूर साथ उनकी केमिस्ट्री और लव मेकिंग शीन के साथ डिम्पल कपाड़िया के प्रदर्शन में काफी सराहा गया इसे उनके सबसे में से एक माना जाता है राणा विक्रम सिंह अपनी पत्नी लक्ष्मी और दो बेटों के साथ एक विशाल फार्म हाउस में रहते हैं से एक पुलिस अधिकारी और अमर एक मजेदार प्लेबॉय हैं अमर की एंट्री उसके द्वारा भरी हुई रूसी रूलेट का एक राउंड खेलने के लिए शुरू होती है जैसे ही वह जो जीतता है और खुद को को जाबाज घोषित करता है राजेश अपने प्यार सीमा को खोने के लिए एक दर्दनाक अनुभव से गुजरता है जब उसने एक अंतर्राष्ट्रीय नशीले पदार्थ माफिया नेता तेजा द्वारा जबरन दिए गए नशीली दवाओं को इंजेक्शन का कारण दम तोड़ दिया तो उन्होंने नशीली दवाओं को के खतरे को लड़ने की कसम खाई अंडरवर्ल्ड सर ना राणा राजा राणा के पुराने दोस्त की हत्या कर देता है उसके दोस्त को बेटी रेशमा प्रिया राणा के घर में शरण लेती है और राजेश ड्रम की तलाश में रेशमा के पिता राजा एक बड़ी बहुत बड़ी सरता हार गए जिसके बाद राजा ने एक नकली दुर्घटना में उसकी हत्या कर दी जब रेशमा उसके घर रहने चली जाती है तो अमर घोड़े के अस्तबल में उसके साथ रहता है रेशमा से प्यार करने के बाद अमर ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया जब राणा के साथ अमर के रिश्ते के बारे में पता चलता है तो वह उसे चेतावनी देता है कि रेशमा उसके उनके परिवार के लिए उपयुक्त नहीं है रेशमा का दिल टूट गया लेकिन वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे पढ़ती रहती है और अमर रुचि रखता है कि वह फार्म हाउस में एक कर्मचारी सही कर्मचारी विकास की कंपनी में रेशमा को देखकर ईर्ष्या करता है और विकास और अमर के बीच लड़ाई होती है इस बीच भा, भारा, इस बीच बीच मारा मारा जाता है। विकास मारा जाता है है विकास तो अमर अब भाग रहा है और राजेश को उसे पकड़ने का काम सौंप दिया जाता है उत्पादन में रेशमा के रूप में डिंपल कपाड़िया की भूमिका से पहले रेखा को ऑफर दिया गया था संगीत साउंड्रेक कल्याण जी आनंदी द्वारा रचित और गीत हर किसी को हर किसी को बाद में बॉक्स ऑफिस 2013 के लिए चित्रन भट्ट द्वारा फिर से तैयार किया गया और गाने को प्यार दो प्यार दो प्यार लो को थैंक यू और मन मरजावा के लिए दो बार रिक्रिएट किया गया था अब इस गाने का नाम बदलकर एक तो कम जिंदगी एक तो कम जिंदगानी कर दिया गया है राजेश के रूप में फिरोज खान ने किरदार निभाया था अमर सिंह के रूप में अनिल कपूर ने राणा विक्रम के रूप में अमरीश लक्ष्मी सिंह के रूप में सुषमा सेठ रेशमा के रूप में डिम्पल कपाड़िया सीमा के रूप में श्रीदेवी राजा के रूप में शक्ति कपूर राजा मुराद तेजा के रूप में रोकी के रूप में पुनीत और विकास के रूप में दिलीप ताहिल रेखा अतिथि भूमिका जोन के रूप में तेज सप्रू और रो, रोबोटिक डांसर के रूप में बारबी वाइल्ड संदर्भ में देखा गया था जाबाज सन उन्नीस मूवी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन बजट की अज्ञात तथ्य उसी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के छत्तीस जनवरी 2021 को 18 दिसंबर 2021 को लिया गया था फिरोज खान फिरोज़ खान का जन्म 25 सितंबर सन उन्नीस को हुआ और इनकी मृत्यु 27 अप्रैल 2009 को हुई जन्म जुल्फिकार अली शाह खान एक भारतीय अभिनेता फिल्म संपादक निर्माता और निर्देशक थे जो भारतीय सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते थे उन्होंने अपने पूरे कैरियर में साठ से अधिक फिल्मों में काम किया और बॉलीवुड में लोकप्रिय स्टाइल आइनकन में से एक एन बन गए। आरजू उन्नीस औरत सफर मेला उपन्य उपासना अपराध जैसी फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता था खटखोटे खट सिक्के काला सोना धर्मात्मा नागिन कुर्बानी वेलकम उन्हों उन्होंने जाबाज दयावान मीत मेरे मन के यलगार प्रेम अगन जानसीन जैसी फिल्मों में निर्देशक अभिनय भी किया एक आदमी और इंसान के लिए सबसे सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता 2000 हजार में फिल्मफेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार को सम्मानित किया गया उन्हें भारतीय क्लिं, क्लिंट ईस्टवुड के नाम से भी जाना जाता था इनका जन्म बैंक ग्लोर मैसूर साम्राज्य के कर्नाटक बिस्ट बैंक मैसूर साम्राज्य ब्रिटिश भारत वर्तमान कर्नाटक में हुआ था बैंगलोर कर्नाटक भारत में ही इनकी मृत्यु हुई इनका दूसरा नाम क्लिंट स्टुड के नाम से भी जाना जाता है व्यवसायी अभिनेता फिल्म संपादक निर्माता और निर्देशक फकरेबसन 1956 से, से लेकर 2007 तक रही जीवन साथी सुंदरी सेन की शादी 1965 में हुई और विवाह 1985 में बच्चे फरदीन खान समेत दो थे रिश्तेदार अब्बास खान भाई अकबर खान भाई सुजैन खान बच्ची थी और जा, खान भतीजा पुरस्कार फिल्म पर लाइफ टाइम अचीवमेंट से इनको सम्मानित किया गया फिरोज खान का जन्म 25 सितंबर उन्नीस को बेंगलोर भारत में सादिक अली खान तल, तनौली के घर हुआ था जो अफगानिस्तान के, के गजनी के एक अफगान थे और उनकी मां फातिमा ईरान से फारसी वंश की थी खान की शिक्षा बिपस कोटल बोजे स्कूल और सेट जॉर्मेन हाई स्कूल बेंगलोर में हुई उनके भाई सहाब, भाई खान, साहब शाहरुख खान अली खान अम, समीर खान और अकबर खान उनकी बहनें खुर्दी सहनवर और उनके दिल साहब दिलसाद दिल बेगम शेख और दिलसाद बीवी के नाम से मशहूर हैं बेंगलोर में अपनी स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने लंबे बॉम्बे की यात्रा की और जहां उन्होंने 1960 में दीदी में दूसरी मुख्य भूमिका के रूप में अपनी शुरुआत की 1960 से 1970 के दशक में शुरुआत में उन्हें स्टार टैलो के साथ टू इंडिया नामक एक, एक अंग्रेजी भाषा की फिल्म में दिखाई दी उनकी पहली बड़ी हिट उन्नीस सौ पैंसठ में कड़ी मजुमदार और ऊंचे लोग थे जहां उनका मुकाबला स्क्रीन आइडल राजा कुमार और अशोक कुमार से था उन्होंने उल्लेखनीय संवेदनशील पर्थ, प्रदर्शन किया जिसके इसके बाद, बाद सैमसन का स, सपेरा एक लुटेरा के चार दर्व से जैसी छोटी बजट की हिट फिल्मों में नजर आए अनिल कपूर अनिल कपूर एक भारतीय अभिनेता और निर्माता और टेलीविजन अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में अलावा मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम करते हैं एक अभिनेता के रूप में 40 वर्षों से अधिक के करियर में दो हजार पांच से एक निर्माता के रूप में कपूर सौ से अधिक फिल्मों में दिखाई दिए कई प्रतिष्ठित लोकप्रिय के प्रतिष्ठित फिल्मों में के लिए पहचाने जाने वाले उन्हें दो राष्ट्रीय मुंबई भारत में उन्नीस में चौबीस दिसंबर को हुआ था व्यवसाय अभिनेता और निर्माता सैक्रेवर्स उन्नीस से वर्तमान तक इनके बच्चे सोनम रिया और हर्षवर्धन पिता सुरेंद्र कपूर पिता एन की पुरस्कार पूरी सूची से इनको सम्मानित किया गया फिल्म निर्माता कपूर के घर में जन्मे उन्होंने तेलुगु वृक्षम उन्नीस और कन्नड़ फिल्म पलवी अनुपलवी में अभिनय करने से पहले रोमांस हारे तुम्हारे हमारे तुम्हारे में एक छोटी भूमिका के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की और उनके कैरियर का एक्शन ड्रामा फिल्म रही है किसी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म में कपूर की पहली भूमिका डैनी बॉय की अकादमी पुरस्कार विजेता फिल्म इसक, इस्लाम डोग मिलियन ईयर में थी उनके लिए उन्होंने मोशन पिक्चर्स में कलाकारों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एक स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड साझा किया एक्शन सीरीज 24 के आठवें सीजन में उनके प्रदर्शन को अमेरिकी प्रेस से सबसे से अच्छी समीक्षाएं मिली विश्व स्तर पर कपूर सबसे अधिक मान्यता प्राप्त भारतीय फिल्म में से एक थे। प्रारंभिक कपूर का जन्म पंजाबी हिंदू परिवार 24 दिसंबर 1956 को सौ के चैम्बूर के निर्मल कपूर और फिल्म निर्माता सुरेंद्र कपूर के घर हुआ वह चार बच्चों में से दूसरे नंबर पर था और उसके, उनके बड़े भाई बोनी कपूर का एक फिल्म निर्माता और छोटे भाई संजय कपूर एक अभिनेता दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी और निर्माता मो मोना सोरी कपूर और दोनों बोनी की पत्नी उनकी भाभी ओथी थी और नोएडा फिल्म सिटी में संस्थापक के माँ वहाँ स्टूडियो को मालिक संदीप मारवा उनके बहनोई फिल्म अभिनेता अर्जुन कपूर और मोहित मारवा उनके भतीजे जबकि अभिनेत्री जानवी कपूर उनकी भतीजी है और पृथ्वीराज कपूर एक का परिवार भी रिश्तेदार क्योंकि पृथ्वीराज कपूर उनके पिता के चचेरे भाई है कपूर ने 1970 में तूपाल तो तो पायल में गीत की युवा शशि कपूर की भूमिका निभाकर फिल्मों में अपनी शुरुआत की और हालांकि फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो गई अनिल कपूर ने हिंदी फिल्मों में अपनी शुरुआत हमेशा मेरा की मेरा की भी, हमारे तुम्हारे उन्नीस सौ में एक छोटी सी भूमिका से की थी इसके बाद उन्होंने 1980 में अनुभवी बापू द्वारा निर्देशित तेलुगु फिल्म वृक्षम ने, वा, ने मुख्य अभिनेता के लिए रूप में अभिनय किया उसी वर्ष वह दो और हिंदी फिल्मों में एक बार कहो हम पांच में भी दिखाई दिए उन्नीस में वह एम एस सेथ्यू की खांग से गुजरे गए दिखाई दिए और शक्ति उन्नीस में एक छोटी सी भूमिका निभाने के बाद उन्होंने मर्णरतन की पलवी अनुपलवी अनु के साथ कन्नड़ फिल्म में शुरुआत की जाबाज हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यूज जांबाज एक सन उन्नीस की भारतीय एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन फिरोज खान ने किया है जो नशीली दवाओं की लत और अनिल कपूर और डिंपल कपाड़िया की स्टीमी सीन के लिए चित्रण के लिए लोकप्रिय हुई श्रीदेवी एक कैमियो भूमिका में दिखाई दी उनके सुपरस्ट्राड्रम का फायदा उठाते हुए खान ने उन्हें हर हर किसी को नहीं मिलता यह प्यार जिंदगी में गाने का दिखाया जो चार्ट टॉपिंग हिट बन गया और यह फिल्म किंग विडोर की फिल्म ड्यूएल इन इंदर सन उन्नीस में काफी प्रेरित रही इसके बाद फिल्म को संपादित फिरोज खान ने किया संगीत कल्याण जी आनंद जी ने दिए रिलीज़ की तारीख 20 जून सन उन्नीस कार्यक्रम एक मिनट देश भारत भाषा हिंदी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और सह अनिल कपूर दो साथ उनकी केमिस्ट्री और लव मेकिंग शीन के साथ डिम्पल कपाड़िया के प्रदर्शन में काफी सराहा गया इसे उनके सबसे में से एक माना जाता है राणा विक्रम सिंह अपनी पत्नी लक्ष्मी और दो बेटों के साथ एक विशाल हाउस में रहते हैं एक एक पुलिस अधिकारी और अमर मजेदार प्लेबॉय है अमर की एंट्री उसके द्वारा भरी हुई रूसी रूलेट का एक राउंड खेलने के लिए शुरू होती है जैसे ही वह जीतता है और खुद को, को जाबाज घोषित करता है राजेश अपने प्यार सीमा को खोने के लिए एक दर्दनाक अनुभव से गुजरता है जब उसने एक अंतरराष्ट्रीय नशीले पदार्थ माफिया नेता तेजा द्वारा जबरन दिए गए नशीली दवाओं को इंजेक्शन का कारण दम तोड़ दिया तो उन्होंने नशीली दवाओं के खतरे को लड़ने की कसम खाई अंडरवर्ल्ड सर ना राणा राजा राणा के पुराने दोस्त की हत्या कर देता है उसके दोस्त को बेटी रेस्मा प्रेणा के घर में शरण लेती है और राजेश ड्रम की तलाश में रेशमा के पिता राजा एक बहुत बड़ी बहुत सरता हार गए जिसके बाद राजा ने एक नकली दुर्घटना में उसकी हत्या कर दी जब रेशमा उसके घर रहने चली जाती है तो अमर घोड़े के अस्तबल में उसके साथ रहता है रेशमा से प्यार करने के बाद अमर ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया जब राणा के साथ अमर के रिश्ते के बारे में पता चलता है तो वह उसे चेतावनी देता है कि रेशमा उसके उनके परिवार के लिए उपयुक्त नहीं है रेशमा का दिल टूट गया लेकिन वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे बढ़ती रहती है और अमर रुचि रखता है कि वह फार्म हाउस में एक कर्मचारी सहित कर्मचारी विकास की कंपनी में रेशमा को देखकर ईश्वा करता है और विकास और अमर के बीच लड़ाई होती है इस बीच भा... भारा इस बीच मारा जाता है विकास मारा जाता है तो अमर अब भाग रहा है और राजेश को उसे पकड़ने का काम सौंप दिया जाता है उत्पादन में रेशमा के रूप में डिंपल कपाड़िया की भूमिका से पहले रेखा को ऑफर दिया गया था संगीत साउंड कल्याण जी आनंद द्वारा रचित और गीत हर किसी को हर किसी को बाद में बॉक्स ऑफिस 2013 के लिए चित्रन भट्ट द्वारा फिर से तैयार किया गया और गाने को प्यार दो प्यार दो प्यार लो को थैंक यू और मर जावा के लिए दो बार रिक्रिएट किया गया था अब इस गाने का नाम बदलकर एक एक तो कम एक तो कम कम जिंदगी जिंदगानी कर दिया गया है राजेश के रूप में फिरोज खान ने किरदार निभाया था अमर सिंह के रूप में अनिल कपूर ने राणा विक्रम के रूप में अमरीशपुरी लक्ष्मी सिंह के रूप में सुषमा सेठ रेशमा के रूप में डिम्पल कपाड़िया सीमा के रूप में श्रीदेवी राजा के रूप में शक्ति कपूर राजा मुराद तेजा के रूप में रोकी के रूप में पुनीत और विकास के रूप में दिलीप ताहिल रेखा अतिथि भूमिका जोन के रूप में तेज सप्रू और रो, रोबोटिक डांसर के रूप में बारबी वाइल्ड संदर्भ में देखा गया थे जाबाज सन उन्नीस सौ छियासी मूवी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन बजट की अज्ञात तथ्य सन उन्सी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बेकस ऑफ छत्तीस जनवरी 2021 को 18 दिसंबर 2021 को लिया गया था फिरोज खान फिरोज खान का जन्म 25 सितंबर सन को हुआ और इनकी मृत्यु 27 अप्रैल 2009 को ही। जन्म जुल्फिकार अली शाह खान एक भारतीय अभिनेता फिल्म संपादक निर्माता और निर्देशक थे जो भारतीय सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते थे उन्होंने अपने पूरे कैरियर में 60 से अधिक फिल्मों में काम किया और बॉलीवुड में लोकप्रिय स्टाइल आइकन में से एक एन बन गई आरजू उन्नीस औरत सफर मेला उपन्य उपासना अपराध जैसी फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता था कटखोटे खट सिक्के काला सोना धर्मात्मा नागिन कुर्बानी वेलकम उन्होंने जाबाज दयावान मीत मेरे मन के लग, यालगार प्रेम अगन जानसीन जैसी फिल्मों में निर्देशक अभिनय भी किया एक आदमी और इंसान के लिए सबसे सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता 2000 में फिल्मफेयर में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार को सम्मानित किया गया उन्हें भारतीय क्लिंट ईस्टवुड के नाम से भी जाना जाता था इनका जन्म बेंगलोर मैसूर साम्राज्य के कर्नाटक मैसूर साम्राज्य ब्रिटिश भारत वर्तमान कर्नाटक में हुआ था बेंगलोर कर्नाटक भारत में ही इनकी मृत्यु हुई इनका दूसरा नाम क्लिंट स्टुअर्ट के नाम से भी जाना जाता है व्यवसायी अभिनेता फिल्म संपादक निर्माता और निर्देशक तकरीबन 1956 से, से लेकर 2007 तक रही जीवन साथी सुंदरी सेन की शादी 1965 में हुई और विभाग 1985 में बच्चे फरदीन खान समेत दो थे रिश्तेदार अब्बास खान भाई अकबर खान भाई सुजैन खान बची थी और खान भतीजा पुरस्कार फिल्म पर लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया फिरोज खान का जन्म 25 सितंबर उन्नीस तो को बेंगलोर भारत में सादिक अली खान तल, तनौली के घर हुआ था जो अफगानिस्तान के, के गजनी के एक अफगान थे और उनकी माँ फातिमा ईरान से फारसी वंश की थी खान की शिक्षा दिपस कोटल स्कूल और सेट जर्मन हाई स्कूल बेंगलोर में हुई उनके भाई सहाब, भाई साहब खान 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 अली खान, समीर खान और अकबर खान उनकी बहने खुर्दी सहनवर और उनके दिल साहब दिलसाद दिल बेगम शेख और दिलसाद बीवी के नाम से मशहूर हैं बेंगलोर में अपनी स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने लंबे बॉम्बे की यात्रा की और जहां उन्होंने सौ उन्नीस में दीदी में दूसरी मुख्य भूमिका के रूप में अपनी शुरुआत की 1960 से 1970 के दशक में शुरुआत में उन्हें स्टार टैलो के विपरीत काम का बजट कम बजट वाली थ्रिएटर फिल्मों में बनाई और उन्नीस में वह सीमी गरीवाल के साथ टार्जन द टार्जन गोज टू इंडिया नामक एक, एक अंग्रेजी भाषा की फिल्म में दिखाई दी उनकी पहली बड़ी हिट सन उन्नीस में कणी मजुमदार और ऊंचे लोग थे जहां उनका मुकाबला स्क्रीन आइडल राजा कुमार और अशोक कुमार से था उन्होंने उल्लेखनीय संवेदनशील प्रदर्शन किया जिसके इसके बाद, बाद सैमसन का सपेरा सा, एक लुटेरा के चार दर्व से जैसी छोटी बजट की हिट फिल्मों में नजर आए अनिल कपूर अनिल कपूर एक भारतीय अभिनेता निर्माता और टेलीविजन अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में अलावा मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम करते हैं एक अभिनेता के रूप में 40 वर्षों से अधिक के करियर में दो हजार पांच से एक निर्माता के रूप में कपूर 100 से अधिक फिल्मों में दिखाई दिए कई प्रतिष्ठित लोकप्रिय के प्रतिष्ठित फिल्मों में के लिए पहचाने जाने वाले उन्हें दो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सात फिल्म फेयर पुरस्कार सहित कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया इनका जन्म मुंबई भारत में 1956 में 24 दिसंबर को हुआ था व्यवसाय अभिनेता और निर्माता तकरीबन 1973 से वर्तमान तक इनके बच्चे सोनम रिया और हर्षवर्धन पिता सुरेंद्र कपूर पिता एन की पुरस्कार पूरी सूची से इनको सम्मानित किया गया फिल्म निर्माता सुरिंदर कपूर के घर में जन्मे उन्होंने तेलगु फिल्म वासमस उन्नीस और कन्नड़ फिल्म पलवी अनुपलवी में अभिनय करने से पहले रोमांस हारे तुम्हारे हमारे तुम्हारे में एक छोटी भूमिका के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की और उनके कैरियर का एक्शन ड्रामा फिल्म रही है किसी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म में कपूर की पहली भूमिका डैनी बॉय की अकादमी पुरस्कार विजेता फिल्म इसक, इस्लाम डोग मिलियन ईयर में थी उनके लिए उन्होंने मौसन पिक्चर्स में कलाकारों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एक स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड साझा किया एक्शन सीरीज चौबीस के आठवें सीजन में उनके प्रदर्शन को अमेरिकी प्रेस से सबसे से अच्छी समीक्षाएं मिली विश्व पर कपूर सबसे अधिक मान्यता प्राप्त भारतीय फिल्म में से एक थे। प्रारंभिक जीवन कपूर का जन्म पंजाबी हिंदू परिवार 24 दिसंबर 1956 को सौ के चैंबूर के निर्मल कपूर और फिल्म निर्माता सुरेंद्र कपूर के घर हुआ वह चार बच्चों में से दूसरे नंबर पर था और उसके, उनके बड़े भाई बोनी कपूर का एक फिल्म निर्माता और छोटे भाई सिंह कपूर एक अभिनेता दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी और निर्माता मो मोना सोरी कपूर और दोनों बोनी की पत्नी उनकी भाभी ओथी थी और नोएडा फिल्म सिटी में संस्थापक के माँ वहाँ स्टूडियो को मालिक संदीप मारवा उनके बहनोई फिल्म अभिनेता अर्जुन कपूर और मोहित मारवा उनके भतीजे जबकि अभिनेत्री जानवी कपूर उनकी भतीजी है और पृथ्वीराज कपूर एक का परिवार भी रिश्तेदार क्योंकि पृथ्वीराज कपूर उनके पिता के चचेरे भाई है कपूर ने 1970 में तूपाल तो तो पायल में गीत की युवा शशि कपूर की भूमिका निभाकर फिल्मों में अपनी शुरुआत की और हालांकि फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो गई अनिल कपूर ने हिंदी फिल्मों में अपनी शुरुआत हमेशा मेरा की, मेरा की भी हमा, हमारे तुम्हारे उन्नीस में एक छोटी सी भूमिका से की थी इसके बाद उन्होंने 1980 में अनुभवी बापू द्वारा निर्देशित तेलुगु फिल्म वृक्षम वा, ने मुख्य अभिनेता के लिए रूप में अभिनय किया उसी वर्ष वह दो और हिंदी फिल्मों में एक बार कहो हम पांच में भी दिखाई दिए उन्नीस में वह एम एस की खांग से गुजरे गए दिखाई दिए और शक्ति उन्नीस में एक छोटी सी भूमिका निभाने के बाद उन्होंने मणिरतन की पलवी अनु अनुपलवी के साथ कन्नड़ फिल्म में शुरुआत की जाबाज हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यूज जाबाज एक सन उन्नीस सौ छियासी की भारतीय एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन फिरोज खान ने किया है जो नशीली दवाओं की लत और अनिल कपूर और डिम्पल कपाड़िया की इसके स्टीमी इस सीन के लिए चित्रण के लिए लोकप्रिय हुई श्रीदेवी एक कैमियो भूमिका में दिखाई दी उनके सुपर का फायदा उठाते हुए खान ने उन्हें हर हर किसी को नहीं मिलता यह प्यार जिंदगी में गाने का दिखाया जो चार्ट टॉपिंग हिट बन गया और यह फिल्म किंग विडोर की फिल्म ड्यूएल इन द सन सन में काफी प्रेरित रही इसके बाद फिल्म को संपादित फरोज खान ने किया संगीत कल्याण जी आनंद जी ने दिए रिलीज़ की तारीख 20 जून सन उन्नीस कार्यक्रम एक मिनट देश भारत भाषा हिंदी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और सह कलाकार अनिल कपूर दो साथ उनकी केमिस्ट्री और लव मेकिंग शीन के साथ डिम्पल कपाड़िया के प्रदर्शन में काफी सराहा गया इसे उनके सबसे में से एक माना जाता है राणा विक्रम सिंह अपनी पत्नी लक्ष्मी और दो बेटों के साथ एक विशाल फार्म हाउस में रहते हैं राजेश एक पुलिस अधिकारी और अमर एक मजेदार प्लेबॉय है अमर की एंट्री उसके द्वारा भरी हुई रूसी रूलेट का एक राउंड खेलने के लिए शुरू होती है जैसे ही वह जीतता है और खुद को, को जाबाज घोषित करता है राजेश अपने प्यार सीमा को खोने के लिए एक दर्दनाक अनुभव से गुजरता है जब उसने एक अंतर्राष्ट्रीय नशीले पदार्थ माफिया नेता तेजा द्वारा जबरन दिए गए नशीली दवाओं को इंजेक्शन का कारण दम तोड़ दिया तो उन्होंने नशीली दवाओं के खतरे को लड़ने की कसम खाई अंडरवर्ल्ड सर ना राणा राजा राणा के पुराने दोस्त की हत्या कर देता है उसके दोस्त को बेटी रेशमा प्रेरणा के घर में शरण लेती है और राजेश ड्रम की तलाश में रेशमा के पिता राजा एक बहुत बड़ी सरता हार गए जिसके बाद राजा ने एक नकली दुर्घटना में उसकी हत्या कर दी जब रेशमा उसके घर रहने चली जाती है तो अमर घोड़े के अस्तबल में उसके साथ रहता है रेशमा से प्यार करने के बाद अमर ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया जब राणा के साथ अमर के रिश्ते के बारे में पता चलता है तो वह उसे चेतावनी देता है कि रेशमा उसके उनके परिवार के लिए उपयुक्त नहीं है रेशमा का दिल टूट गया लेकिन वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे बढ़ती रहती है और अमर रुचि रखता है कि वह फार्म हाउस में एक कर्मचारी सहित कर्मचारी विकास की कंपनी में रेशमा को देखकर ईश्वा करता है और विकास और अमर के बीच लड़ाई होती है इस बीच भा... भारा इस बीच मारा जाता है विकास मारा जाता है तो अमर अब भाग रहा है और राजेश को उसे पकड़ने का काम सौंप दिया जाता है उत्पादन में रेशमा के रूप में डिंपल कपाड़िया की भूमिका से पहले रेखा को ऑफर दिया गया था संगीत साउंड रेक कल्याण जी द्वारा रचित और गीत हर किसी को हर किसी को बाद में बॉक्स ऑफिस 2013 के लिए चित्रन भट्ट द्वारा फिर से तैयार किया गया और गाने को प्यार दो प्यार दो प्यार लो को थैंक यू और मन मर के लिए दो बार रिक्रिएट किया गया था अब इस गाने का नाम बदलकर एक तो कम जिंदगी एक तो कम जिंदगानी कर दिया गया है राजेश के रूप में फिरोज खान ने किरदार निभाया था अमर सिंह के रूप में अनिल कपूर ने राणा विक्रम के रूप में अमरीशपुरी लक्ष्मी सिंह के रूप में सुषमा सेठ रेशमा के रूप में डिम्पल कपाड़िया सीमा के रूप में श्रीदेवी राजा के रूप में शक्ति कपूर राजा मुराद तेजा के रूप में रोकी के रूप में पुनीत और विकास के रूप में दिलीप ताहिल रेखा अतिथि भूमिका जोन के रूप में तेज सप्रू और रोबोटिक डांसर के रूप में बारबी वाइल्ड संदर्भ में देखा गया है कि जाबाज़ सन 1986 मूवी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन बजट किए अज्ञात तथ्य अनुसार इसी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बेकस of 6th जनवरी 2021 को 18 दिसंबर 2021 को लिया गया था फिरोज खान फिरोज खान का जन्म 25 सितंबर सन 1939 को हुआ और इनकी मृत्यु 27 अप्रैल 2009 को ही जन्म जुल्फिकार अली खान एक भारतीय फिल्म संपादक, निर्माता और निर्देशक थे जो भारतीय सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते थे उन्होंने अपने पूरे कैरियर में साठ से अधिक फिल्मों में काम किया और बॉलीवुड में लोकप्रिय स्टाइल आइनकन में से एक एन बन गई आरजू उन्नीस औरत सफर मेला उपन उपासना अपराध जैसी फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता था खट्टे, कटखोटे खट, सिक्के काला सोना धर्मात्मा नागिन कुर्बानी वेलकम उन्होंने जाबाज, दयावान मीत मेरे मन के यलगार प्रेम अगन जानसीन जैसी फिल्मों में निर्देशक की अभिनय भी किया एक आदमी और इंसान के लिए सबसे सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता 2000 में फिल्म फेर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार को सम्मानित किया गया उन्हें भारतीय क्लिंट ईस्टवुड के नाम से भी जाना जाता था इनका जन्म मैसूर साम्राज्य के कर्नाटक मैसूर साम्राज्य ब्रिटिश भारत वर्तमान कर्नाटक में हुआ था बैंगलोर कर्नाटक भारत में ही इनकी मृत्यु हुई इनका दूसरा नाम क्लिंट ईस्टवुड के नाम से भी जाना जाता था व्यवसाय अभिनेता फिल्म संपादक निर्माता और निर्देशक सेकरेवर्स सन उन्नीस से, से लेकर 2007 तक रही जीवन साथी सुंदरी सेन की शादी उन्नीस में हुई और विभाग उन्नीस में बच्चे फरदीन खान समेत दो थे रिश्तेदार अब्बास खान भाई अकबर खान भाई सुजेन खान बच्ची थी और जायद खान भतीजा पुरस्कार फिल्म पर लाइफ टाइम अचीवमेंट से इसको सम्मानित किया गया फिरोज खान का जन्म 25 सितंबर उन्नीस को बेंगलोर भारत में सादिक अली खान तनौली के घर हुआ था जो अफगानिस्तान के के गजनी के एक अफगान थे और उनकी मां फातिमा ईरान से फारसी वंश की थी खान की शिक्षा बिपस कोटल बोजे स्कूल और सेट जर्मन हाई स्कूल बेंगलोर में हुई उनके भाई सहाब, भाई साहबबास खान शाहरुख खान अली खान समीर खान और अकबर खान उनकी बहनें खुर्दी सहनवर और उनके दिल साहब दिलसाद बेगम शेख और दिलसाद बीवी के नाम से मशहूर हैं बेंगलोर में अपनी स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने लंबे बॉम्बे की यात्रा की और जहां उन्होंने सौ साठ में दीदी में दूसरी मुख्य भूमिका के रूप में अपनी शुरुआत की 1960 से 1970 के दशक में शुरुआत में उन्हें स्टार टैलो के विपरीत काम का बजट कम बजट वाली थ्रिलर फिल्मों में बनाई और उन्नीस में वह सीमी गरीवाल के टार्जन गोज टू इंडिया नामक एक अंग्रेजी भाषा की फिल्म में दिखाई दी उनकी पहली बड़ी हिट उन्नीस में कड़ी मजुमदार और ऊंचे लोग थे जहां उनका मुकाबला स्क्रीन आइडल राजा कुमार और अशोक कुमार से था उन्होंने उल्लेखनीय संवेदनशील पर्थ, प्रदर्शन किया जिसके, इसके बाद सैमसन का स, स, सपेरा एक लुटेरा के चार जैसी छोटी बजट की हिट फिल्मों में नजर अनिल कपूर, आए अनिल कपूर और निर्माता और टेलीविजन अंतरराष्ट्रीय फिल्मों में अलावा मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम करते हैं एक अभिनेता के रूप में 40 वर्षों से अधिक के, के करियर में दो हजार से एक निर्माता के रूप में कपूर सौ से अधिक फिल्मों में दिखाई दिए कई प्रतिष्ठित लोकप्रिय के प्रतिष्ठित फिल्मों में के लिए पहचाने जाने वाले उन्हें दो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सात फिल्म फेयर पुरस्कार सहित कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया इनका जन्म मुंबई भारत में 24 दिसंबर को हुआ था व्यवसाय अभिनेता और निर्माता सेकेरेवर्स उन्नीस से वर्तमान तक इनके बच्चे सोनम रिया और हर्षवर्धन पिता सुरेंद्र कपूर पिता एन की रिश्तेदार पुरस्कार पूरी सूची से इनको सम्मानित किया गया फिल्म निर्माता सुरेंद्र कपूर के घर में जन्मे उन्होंने तेलुगु फिल्म उन्नीस और कन्नड़ फिल्म पलवी अनुपलवी में अभिनय करने से पहले रोमांस हारे तुम्हारे हमारे तुम्हारे में एक छोटी भूमिका के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की और उनके कैरियर का एक्शन ड्रामा फिल्म रही है किसी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म में कपूर की पहली भूमिका डैनी बॉय की अकादमी पुरस्कार विजेता फिल्म इस्लाम मिली मिलियन ईयर में थी उनके लिए उन्होंने मोशन पिक्चर्स में कलाकारों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एक स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड साझा किया एक्शन सीरीज 24 के आठवें सीजन में उनके प्रदर्शन को अमेरिकी प्रेस सब से सबसे अच्छी समीक्षाएं मिली विश्व स्तर पर कपूर सबसे अधिक मान्यता प्राप्त भारतीय फिल्म अभिताओं में से एक थे प्रारंभिक जीवन कपूर का जन्म पंजाबी हिंदू परिवार 24 दिसंबर 1956 को चैंबूर के चैंबूर के निर्मल कपूर और फिल्म निर्माता सुरेंद्र कपूर के घर हुआ वह चार बच्चों में से दूसरे नंबर पर था और उसके उनके बड़े भाई बोनी कपूर का एक फिल्म निर्माता और छोटे भाई संजय कपूर एक अभिनेता दिवगत अभिनेत्री श्रीदेवी और निर्माता मो, मोना सोरी कपूर और और दोनों बोनी की पत्नी, उनकी भाभी नोएडा फिल्म सिटी में संस्थापक के स्टूडियो मा, को मालिक संदीप मारवा उनके बहनोई फिल्म अभिनेता अर्जुन कपूर और मोहित मारवा उनके भतीजे जबकि अभिनेत्री जानवी कपूर उनकी भतीजी है और पृथ्वीराज कपूर एक का परिवार भी रिश्तेदार क्योंकि पृथ्वीराज कपूर उनके पिता के चचेरे भाई है कपूर ने 1970 में तू तो पाल तू तो पायल में गीत की युवा ससी कपूर की भूमिका निभाकर फिल्म में अपनी शुरुआत की और हालांकि फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो गई अनिल कपूर ने हिंदी फिल्मों में अपनी शुरुआत हमेशा मेरा की मेरा की भी हमा, हमारे तुम्हारे उन्नीस में एक छोटी सी भूमिका से की थी इसके बाद उन्होंने 1980 में अनुभवी बापू द्वारा निर्देशित तेलुगु फिल्म वा, मुख्य अभिनेता के लिए रूप में अभिनय किया उसी वर्ष वह दो और हिंदी फिल्मों में एक बार कहो हम पांच में भी दिखाई दिए उन्नीस में वह एम एस की खांग से गुजरे गए दिखाई दिए और शक्ति उन्नीस में एक छोटी सी भूमिका निभाने के बाद उन्होंने मर्णरत की पल्वी अनु पल्वी के साथ कन्नड़ फिल्म में शुरुआत की जाबाज हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यूज एक सन की भारतीय एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन फिरोज खान ने किया है जो नशीली दवाओं की लत और अनिल कपूर और डिंपल कपाड़िया की स्टीमिंग सीन के लिए चित्रण के लिए लोकप्रिय हुई श्रीदेवी एक कैमियो भूमिका में दिखाई दी उनके सुपर स्ट्राड्रम का फायदा उठाते हुए खान ने उन्हें हर हर किसी को नहीं मिलता यह प्यार जिंदगी में गाने का दिखाया जो चार्ट टॉपिंग हिट बन गया और यह फिल्म किंग विडोर की फिल्म ड्यूएल इन द सन उन्नीस में काफी प्रेरित रही इसके बाद फिल्म को संपादित फिरोज खान ने किया संगीत कल्याण जी आनंद जी ने दिए रिलीज की तारीख 20 जून सन उन्नीस कार्यक्रम एक मिनट देश भारत भाषा हिंदी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और सह कलाकार अनिल कपूर दो साथ उनकी केमिस्ट्री और लव मेकिंग शीन के साथ डिम्पल कपाड़िया के प्रदर्शन में काफी सराहा गया इसे उनके सबसे में से एक माना जाता है राणा विक्रम सिंह अपनी पत्नी लक्ष्मी और दो बेटों के साथ एक विशाल फार्म हाउस में रहते हैं राजेश एक पुलिस अधिकारी और अमर एक मजेदार प्लेबॉय है अमर की एंट्री उसके द्वारा भरी हुई रूसी रूलेट का एक राउंड खेलने के लिए शुरू होती है जैसे ही वह जीतता है और खुद को, को जाबाज घोषित करता है राजेश अपने प्यार सीमा को खोने के लिए एक दर्दनाक अनुभव से गुजरता है जब उसने एक अंतरराष्ट्रीय नशीले पदार्थ माफिया नेता तेजा द्वारा जबरन दिए गए नशीली दवाओं को इंजेक्शन का कारण दम तोड़ दिया तो उन्होंने नशीली दवाओं के खतरे को लड़ने की कसम खाई अंडरवर्ल्ड सर ना राणा राजा राणा के पुराने दोस्त की हत्या कर देता है उसके दोस्त को बेटी रेस्मा प्रेय के घर में शरण लेती है और राजेश ड्रम की तलाश में रेशमा के पिता राजा एक बहुत बड़ी सरता हार गए जिसके बाद राजा ने एक नकली दुर्घटना में उसकी हत्या कर दी जब रेशमा उसके घर रहने चली जाती है तो अमर घोड़े के अस्तबल में उसके साथ रहता है रेशमा से प्यार करने के बाद अमर ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया जब राणा के साथ अमर के रिश्ते के बारे में पता चलता है तो वह उसे चेतावनी देता है कि रेशमा उसके उनके परिवार के लिए उपयुक्त नहीं है रेशमा का दिल टूट गया लेकिन वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे बढ़ती रहती है और अमर रुचि रखता है कि वह फार्म हाउस में एक कर्मचारी सहित कर्मचारी विकास की कंपनी में रेशमा को देखकर इच्छा करता है और विकास और अमर के बीच लड़ाई होती है इस बीच भा... भारा इस बीच मारा जाता है विकास मारा जाता है तो अमर अब भाग रहा है और राजेश को उसे पकड़ने का काम सौंप दिया जाता है उत्पादन में रेशमा के रूप में डिंपल कपाड़िया की भूमिका से पहले रेखा को ऑफर दिया गया था संगीत साउंड कल्याण जी आनंद द्वारा रचित और गीत हर किसी को हर किसी को बाद में बॉक्स ऑफिस 2013 के लिए चित्रन भट्ट द्वारा फिर से तैयार किया गया और गाने को प्यार दो प्यार दो प्यार लो को थैंक यू और मन, मर जावा के लिए दो बार रिक्रिएट किया गया था अब इस गाने का नाम बदलकर एक एक तो कम जिंदगी, तो कर दिया गया है। राजेश के रूप में फिरोज खान ने किरदार निभाया था अमर सिंह के रूप में अनिल कपूर ने राणा विक्रम के रूप में अमरीशपुरी लक्ष्मी सिंह के रूप में सुषमा सेठ रेशमा के रूप में डिम्पल कपाड़िया सीमा के रूप में श्रीदेवी राजा के रूप में शक्ति कपूर राजा मुराद तेजा के रूप में, रोकी के रूप में पुनीत और विकास के रूप में दिलीप ताहिल रेखा अतिथि भूमिका जोन के रूप में तेज सप्रू और रो, रोबोटिक डांसर के रूप में बारबी वाइल्ड संदर्भ में देखा गया था जाबाज सन उन्नीस सौ छियासी मूवी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन बजट की अज्ञात तथ्य सन उन्नीस छियासी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन छत्तीस जनवरी दो जनवरी 2021 को 18 दिसंबर 2021 को लिया गया था फिरोज खान फिरोज खान का जन्म 25 सितंबर सन उन्नीस को हुआ और इनकी मृत्यु 27 अप्रैल 2009 को हुई जन्म जुल्फिकार अली शाह खान एक भारतीय अभिनेता फिल्म संपादक निर्माता और निर्देशक थे जो भारतीय सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते थे उन्होंने अपने पूरे कैरियर में से अधिक फिल्मों में काम किया और बॉलीवुड में लोकप्रिय स्टाइल में से एक एन बन गई आरजू उन्नीस औरत सफर मेला उपन्या उपासना अपराध जैसी फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता था कटखोटे खट सिक्के काला सोना धर्मात्मा नागिन कुर्बानी वेलकम उन्होंने जाबाज दयावान मीत मेरे मन के यलगार प्रेम अगन जानसीन जैसी फिल्मों में निर्देशक अभिनय भी किया एक आदमी और इंसान के लिए सबसे सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता 2000 में में फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार को सम्मानित किया गया उन्हें भारतीय क्लिंट ईस्टवुड के नाम से भी जाना जाता था इनका जन्म बैंक ग्लोर मैसूर साम्राज्य के कर्नाटक मैसूर साम्राज्य ब्रिटिश भारत वर्तमान कर्नाटक में हुआ था बेंगलोर कर्नाटक भारत में ही इनकी मृत्यु हुई इनका दूसरा नाम क्लिंट ईस्टवुड के नाम से भी जाना जाता है व्यवसाय अभिनेता फिल्म संपादक निर्माता और निर्देशक तकरीबन 1956 से, से लेकर 2007 तक रही जीवन साथी सुंदरी सेन की शादी 1965 में हुई और विभाग 1985 में बच्चे फरदीन खान समेत दो थे रिश्तेदार अब्बास खान भाई अकबर खान भाई सुजैन खान थी और जायद खान भतीजा पुरस्कार फिल्म लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया फिरोज खान का जन्म 25 सितंबर उन्नीस को बेंगलोर भारत में सादिक अली खान तनोली के घर हुआ था जो अफगानिस्तान के के गजनी के एक अफगान थे और उनकी मां फातिमा ईरान के से फारसी वंश की थी खान की शिक्षा बीपस कोटल बोजे स्कूल और सेट हाई स्कूल बेंगलोर में हुई उनके भाई शहाब्बास भाई, खान शाहरुख खान अली खान अम, समीर खान और अकबर खान उनकी बहनें खुर्दी सहनवर और उनके दिल साहब दिलसाद दिल बेगम शेख और दिलसाद बीवी के नाम से मशहूर हैं बेंगलोर में अपनी स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने लंबे बॉम्बे की यात्रा की और जहां उन्होंने सन उन्नीस साठ में दीदी में दूसरी मुख्य भूमिका के रूप में अपनी शुरुआत की उन्नीस सौ साठ से उन्नीस सौ सत्तर के दशक में शुरुआत में उन्हें स्टार टेलो के विपरीत काम का बजट कम बजट वाली थ्रियटर फिल्मों में बनाई और उन्नीस में वह सिमी गरेवाल के साथ टार्जन टन गोज टू इंडिया नामक एक, एक अंग्रेजी भाषा की फिल्म में दिखाई दी उनकी पहली बड़ी हिट सन उन्नीस में कणी मजुमदार और ऊंचे लोग थे जहां उनका मुकाबला स्क्रीन आइडल राजा कुमार और अशोक कुमार से था उन्होंने उल्लेखनीय संवेदनशील पर्थ, प्रदर्शन किया जिसके इसके बाद, बाद सैमसन का सपेरा एक लुटेरा के चार से जैसी छोटी बजट की हिट फिल्मों में नजर आए अनिल कपूर अनिल कपूर एक भारतीय अभिनेता निर्माता और टेलीविजन अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में अलावा मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम करते हैं एक अभिनेता के रूप में 40 वर्षों से अधिक के करियर में दो हजार पांच से एक निर्माता के रूप में कपूर 100 से अधिक फिल्मों में दिखाई दिए कई प्रतिष्ठित लोकप्रिय के प्रतिष्ठित फिल्मों के लिए पहचाने जाने वाले उन्हें दो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सात फिल्म फेयर पुरस्कार सहित कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया इनका जन्म मुंबई भारत में 1956 में 24 दिसंबर को हुआ था व्यवसाय अभिनेता और निर्माता तकरीबन 1973 से वर्तमान तक इनके बच्चे सोनम रिया और हर्षवर्धन पिता सुरेंद्र कपूर पिता एन की रिश्तेदार पुरस्कार पूरी सूची से इनको सम्मानित किया गया फिल्म निर्माता सुरेंद्र कपूर के घर में जन्मे उन्होंने तेलुगु फिल्म वासमस वक्षवृक्षम 19 और कन्नड़ फिल्म पलवी अनुपलवी में अभिनय करने से पहले रोमांस हारे तुम्हारे हमारे तुम्हारे में एक छोटी भूमिका के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की और उनके करियर का एक्शन ड्रामा फिल्म रही है किसी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म में कपूर की पहली भूमिका डैनी बॉय की अकादमी पुरस्कार विजेता फिल्म इसक, इस्लाम मिली मिलियन ईयर में थी उनके लिए उन्होंने मौसन पिक्चर्स में कलाकारों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एक स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड साझा किया एक्शन सीरीज 24 के आठवें सीजन में उनके प्रदर्शन को अमेरिकी प्रेस सबसे से सबसे अच्छी समीक्षाएं मिली विश्व स्तर पर कपूर सबसे अधिक मान्यता प्राप्त भारतीय फिल्म अभिताओं में से एक थे प्रारंभिक जीवन कपूर का जन्म पंजाबी हिंदू परिवार 24 दिसंबर 1956 को चैम्बूर के चैम्बूर के निर्मल कपूर और फिल्म निर्माता सुरेंद्र कपूर के घर हुआ वह चार बच्चों में से दूसरे नंबर पर था और उसके उनके बड़े भाई बोनी कपूर का एक फिल्म निर्माता और छोटे भाई संजय कपूर एक अभिनेता दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी और निर्माता मो, मोना सोरी कपूर और दोनों बोनी की पत्नी उनकी भाभी ओथी थी और नोएडा फिल्म सिटी में संस्थापक के माँ वहाँ स्टूडियो को मालिक संदीप मारवा उनके बहनोई फिल्म अभिनेता अर्जुन कपूर और मोहित मारवा उनके भतीजे जबकि अभिनेत्री जानवी कपूर उनकी भतीजी है और पृथ्वीराज कपूर एक का परिवार भी रिश्तेदार क्योंकि पृथ्वीराज कपूर उनके पिता के चचेरे भाई है कपूर ने 1970 में तूपाल तो तो पायल में गीत की युवा शशि कपूर की भूमिका निभाकर फिल्मों में अपनी शुरुआत की और हालांकि फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज गई अनिल कपूर ने हिंदी फिल्मों में अपनी शुरुआत हमेशा मेरा की मेरा की हुई हमा, हमारे तुम्हारे उन्नीस सौ में एक छोटी सी भूमिका से की थी इसके बाद उन्होंने 1980 में अनुभवी बापू द्वारा निर्देशित तेलुगु फिल्म वा, वामुशा वृक्षम ने मुख्य अभिनेता के लिए रूप में अभिनय किया उसी वर्ष वह दो और हिंदी फिल्मों में एक बार कहो हम पांच में भी दिखाई दिए उन्नीस में वह एम एस सेथ्यू की खाग से गुजरे गए दिखाई दिए और शक्ति उन्नीस में एक छोटी सी भूमिका निभाने के बाद उन्होंने मण्यत्न की पलवी अनुपलवी अनु के साथ कन्नड़ फिल्म में शुरुआत की जाबाज हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यूज जाबाज एक सन उन्नीस की भारतीय एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन फिरोज खान ने किया है जो नशीली दबाओ की लत और अनिल कपूर और डिंपल कपाड़िया की इसके स्टीमिंग इस सीन के लिए चित्रण के लिए लोकप्रिय हुई श्रीदेवी एक कैमियो भूमिका में दिखाई दी उनके सुपरस्ट्राड्रम का फायदा उठाते हुए खान ने उन्हें हर हर किसी को नहीं मिलता यह प्यार जिंदगी में गाने का दिखाया जो चार्ट टॉपटिंग हिट बन गया और यह फिल्म किंग विडोर की फिल्म ड्यूएल इन द सन उन्नीस में काफी प्रेरित रही इसके बाद फिल्म को संपादित फरोज खान ने किया संगीत कल्याण जी आनंद जी ने दिए रिलीज की तारीख 20 जून सन उन्नीस कार्यक्रम एक मिनट देश भारत भाषा हिंदी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और अनिल कपूर दो साथ उनकी केमिस्ट्री और लव मेकिंग शीन के साथ डिम्पल कपाड़िया के प्रदर्शन में काफी सराहा गया इसे उनके सबसे में से एक माना जाता है राणा विक्रम सिंह अपनी पत्नी लक्ष्मी और दो बेटों के साथ एक विशाल हाउस में रहते हैं राजेश एक पुलिस अधिकारी और अमर एक मजेदार प्लेबॉय है अमर की एंट्री उसके द्वारा भरी हुई रूसी रूलेट का एक राउंड खेलने के लिए शुरू होती है जैसे ही वह जीतता है और खुद को, को जाबाज घोषित करता है राजेश अपने प्यार सीमा को खोने के लिए एक दर्दनाक अनुभव से गुजरता है जब उसने एक अंतरराष्ट्रीय नशीले पदार्थ माफिया नेता तेजा द्वारा जबरन दिए गए नशीली दवाओं को इंजेक्शन का कारण दम तोड़ दिया तो उन्होंने नशीली दवाओं के खतरे को लड़ने की कसम खाई अंडरवर्ल्ड सरना राणा राजा राणा के पुराने दोस्त की हत्या कर देता है उसके दोस्त को बेटी रेष्मा प्रेणा राणा के घर में शरण लेती है और राजेश ड्रम की तलाश में रेशमा के पिता राजा एक बहुत बड़ी सरता हार गए जिसके बाद राजा ने एक नकली दुर्घटना में उसकी हत्या कर दी जब रेशमा उसके घर रहने चली जाती है तो अमर घोड़े के अस्तबल में उसके साथ रहता है रेशमा से प्यार करने के बाद अमर ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया जब राणा के साथ अमर के रिश्ते के बारे में पता चलता है तो वह उसे चेतावनी देता है कि रेशमा उसके उनके परिवार के लिए उपयुक्त नहीं है रेशमा का दिल टूट गया लेकिन वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे है। बढ़ती रहती है और अमर रुचि रखता है कि वह फार्म हाउस में एक कर्मचारी सहित कर्मचारी विकास की कंपनी में रेशमा को देखकर इच्छा करता है और विकास और अमर के बीच लड़ाई होती है इस बीच भा... भारा इस बीच मारा जाता है विकास मारा जाता है तो अमर अब भाग रहा है और राजेश को उसे पकड़ने का काम सौंप दिया जाता है उत्पादन में रेशमा के रूप में डिंपल कपाड़िया की भूमिका से पहले रेखा को ऑफर दिया गया था संगीत साउंड कल्याण जी आनंद द्वारा रचित और गीत हर किसी को हर किसी को बाद में बॉक्स ऑफिस 2013 के लिए चित्रन भट्ट द्वारा फिर से तैयार किया गया और गाने को प्यार दो प्यार दो प्यार लो को थैंक यू और मर जावा के लिए दो बार रिक्रिएट किया गया था अब इस गाने का नाम बदलकर एक एक तो कम जिंदगी तो जिंदगानी कर दिया गया है राजेश के रूप में फिरोज खान ने किरदार निभाया था अमर सिंह के रूप में अनिल कपूर ने राणा विक्रम के रूप में अमरीशपुरी लक्ष्मी सिंह के रूप में सुषमा सेठ रेशमा के रूप में डिम्पल कपाड़िया सीमा के रूप में श्रीदेवी राजा के रूप में शक्ति कपूर राजा मुराद तेजा के रूप में रोकी के रूप में पुनीत और विकास के रूप में दिलीप ताहिल रेखा अतिथि भूमिका जोन के रूप में तेज सप्रू और रोबोटिक डांसर के रूप में बारबी वाइल्ड संदर्भ में देखा गया था जाबाज सन उन्नीस मूवी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन बजट की अज्ञात तथ्य सन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के छत्तीस जनवरी 31 जनवरी 2021 को 18 दिसंबर 2021 को लिया गया था फिरोज खान फिरोज खान का जन्म 25 सितंबर सन उन्नीस को हुआ और इनकी मृत्यु 27 अप्रैल 2009 को हुई जन्म जुल्फिकार अली शाह खान एक भारतीय अभिनेता फिल्म संपादक निर्माता और निर्देशक थे जो भारतीय सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते थे उन्होंने अपने पूरे कैरियर में साठ से अधिक फिल्मों में काम किया और बॉलीवुड में लोकप्रिय स्टाइल में से एक एन बन गई आरजू उन्नीस औरत सफर मेला उपन्या उपासना अपराध जैसी फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता था खट्टे खटखोटे सिक्के काला सोना धर्मात्मा नागिन कुर्बानी वेलकम उन्होंने जाबाज दयावान मीत मेरे मन के लग यलगार प्रेम अगन जानसीन जैसी फिल्मों में निर्देशक अभिनय भी किया एक आदमी और सन के लिए सबसे सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता 2000 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार को सम्मानित किया गया उन्हें भारतीय क्लिंट ईस्टवुड के नाम से भी जाना जाता था इनका जन्म बैंक ग्लोर मैसूर साम्राज्य के कर्नाटक बैंक मैसूर साम्राज्य ब्रिटिश भारत वर्तमान कर्नाटक में हुआ था बेंगलोर कर्नाटक भारत में ही इनकी मृत्यु हुई इनका दूसरा नाम क्लिंट ईस्टवुड के नाम से भी जाना जाता है व्यवसायी अभिनेता फिल्म संपादक निर्माता और निर्देशक सक्रिय वर्ष 1956 से, से लेकर 2007 तक रही जीवन साथी सुंदरी सेन की शादी 1965 में हुई और विभाग 1985 में बच्चे फरदीन खान समेत दो थे रिश्तेदार अब्बास खान भाई अकबर खान भाई सुजैन खान थी और जा, खान भतीजा सम्मानित किया गया फिरोज खान का जन्म 25 सितंबर उन्नीस को बेंगलोर भारत में सादिक अली खान तल, तनौली के घर हुआ था जो अफगानिस्तान के, के गजनी के एक अफगान थे और उनकी मां फातिमा ईरान से फारसी वंश की थी खान की शिक्षा बीपस कोटल बोजे स्कूल और सेट हाई स्कूल बेंगलोर में हुई उनके भाई साहब भाई साहबबास खान शाहरुख खान अली खान अम, समीर खान और अकबर खान उनकी बहनें खुर्दी सहनवर और उनके दिल साहब दिल दिलसाद बेगम शेख और दिलसाद बीवी के नाम से मशहूर हैं बेंगलोर में अपनी स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने लंबे बॉम्बे की यात्रा की और जहां उन्होंने सौ साठ में दीदी में दूसरी मुख्य भूमिका के रूप में अपनी शुरुआत की उन्नीस से उन्नीस के दशक में शुरुआत में उन्हें स्टार टैलो के विपरीत काम का बजट कम बजट वाली थ्रिएटर फिल्मों में बनाई और उन्नीस में वह सिमी गरेवाल के साथ टार्जन टार्जन गोज टू इंडिया नामक एक अंग्रेजी भाषा की फिल्म में दिखाई दी उनकी पहली बड़ी हिट सन उन्नीस में कणी मजुमदार और ऊंचे लोग थे जहां उनका मुकाबला स्क्रीन आइडल राजा कुमार और अशोक कुमार से था उन्होंने उल्लेखनीय संवेदनशील प्रदर्शन किया जिसके इसके बाद सैमसन का सपेरा एक लुटेरा के चार दर्व से जैसी छोटी बजट की हिट फिल्मों में नजर आए अनिल कपूर अनिल कपूर एक भारतीय अभिनेता निर्माता और टेलीविजन अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में अलावा मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम करते हैं एक अभिनेता के रूप में 40 वर्षों से अधिक के करियर में दो हजार पांच से एक निर्माता के रूप में कपूर 100 से अधिक फिल्मों में दिखाई दिए कई प्रतिष्ठित लोकप्रिय के प्रतिष्ठित फिल्मों के लिए पहचाने जाने वाले उन्हें दो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सात फिल्म फेयर पुरस्कार सहित कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया इनका जन्म मुंबई भारत में 1956 में 24 दिसंबर को हुआ था व्यवसाय अभिनेता और निर्माता तकरीबन 1973 से वर्तमान तक इनके बच्चे सोनम रिया और हर्षवर्धन पिता सुरेंद्र कपूर पिता एन की पुरस्कार पूरी सूची से इनको सम्मानित किया गया फिल्म निर्माता सुरेंद्र कपूर के घर में जन्मे उन्होंने तेलुगु फिल्म वासमस वृक्षम उन्नीस और कन्नड़ फिल्म पलवी अनुपलवी में अभिनय करने से पहले रोमांस हारे तुम्हारे हमारे तुम्हारे में एक छोटी भूमिका के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की और उनके कैरियर का एक्शन ड्रामा फिल्म रही है किसी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म में कपूर की पहली भूमिका डैनी बॉय की अकादमी पुरस्कार विजेता फिल्म इसक, इस्लाम डोग मिली मिलियन ईयर में थी उनके लिए उन्होंने मोशन पिक्चर्स में कलाकारों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एक स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड साझा किया एक्शन सीरीज चौबीस के आठवें सीजन में उनके प्रदर्शन को अमेरिकी प्रेस सबसे से सबसे अच्छी समीक्षाएं मिली विश्व स्तर पर कपूर सबसे अधिक मान्यता प्राप्त भारतीय फिल्म कविताओं में से एक थे प्रारंभिक जीवन कपूर का जन्म पंजाबी हिंदू परिवार 24 दिसंबर 1956 को छप्पन को चैम्बूर के निर्मल कपूर और फिल्म निर्माता सुरेंद्र कपूर के घर हुआ वह चार बच्चों में से दूसरे नंबर पर था और उस उनके बड़े भाई बोनी कपूर का एक फिल्म निर्माता और छोटे भाई संजय कपूर एक अभिनेता दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी और निर्माता मो, मोना सोरी कपूर और दोनों बोनी की पत्नी उनकी भाभी और थी और नोएडा फिल्म सिटी में संस्थापक के माँ वहाँ स्टूडियो को मालिक संदीप मारवा उनके बहनोई फिल्म अभिनेता अर्जुन कपूर और मोहित मारवा उनके भतीजे जबकि अभिनेत्री जानवी कपूर उनकी भतीजी है और पृथ्वीराज कपूर एक का परिवार भी क्योंकि कपूर उनके पिता के चचेरे भाई है कपूर ने 1970 में तूपाल तो तो पायल में गीत की युवा शशि कपूर की भूमिका निभाकर फिल्मों में अपनी शुरुआत की और हालांकि फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो गई अनिल कपूर ने हिंदी फिल्मों में अपनी शुरुआत हमेशा मेरा की मेरा की भी हमा, हमारे तुम्हारे उन्नीस में एक छोटी सी भूमिका से की थी इसके बाद उन्होंने 1980 में अनुभवी बापू द्वारा निर्देशित तेलुगु फिल्म वृक्षम वा, ने मुख्य अभिनेता के लिए रूप में अभिनय किया उसी वर्ष वह दो और हिंदी फिल्मों में एक बार कहो हम पांच में भी दिखाई दिए उन्नीस में वह एम एस की खांग से गुजरे गए दिखाई दिए और शक्ति उन्नीस में एक छोटी सी भूमिका निभाने के बाद उन्होंने मणिरतन की पलवी अनु अनुपल्वी के साथ कन्नड़ फिल्म में शुरुआत की जाबाज हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यूज जाबाज एक सन उन्नीस सौ छियासी की भारतीय एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन फिरोज खान ने किया है जो नशीली दवाओं की लत और अनिल कपूर और डिंपल कपाड़िया की इसके स्टीमी इस सीन के लिए चित्रण के लिए लोकप्रिय हुई श्रीदेवी एक कैमियो भूमिका में दिखाई दी उनके सुपरस्ट्राड्रम का फायदा उठाते हुए खान ने उन्हें हर हर किसी को नहीं मिलता यह प्यार जिंदगी में गाने का दिखाया जो चार्ट टॉपिंग हिट बन गया और यह फिल्म किंग विडोर की फिल्म ड्यूएल इन द सन सन में काफी प्रेरित रही इसके बाद फिल्म को संपादित फरोज खान ने किया संगीत कल्याण जी आनंद जी ने दिए रिलीज़ की तारीख 20 जून सन उन्नीस सौ छियासी कार्यक्रम एक सौ बयासी मिनट देश भारत भाषा हिंदी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और सह कलाकार अनिल कपूर दो साथ उनकी केमिस्ट्री और लव मेकिंग शीन के साथ डिम्पल कपाड़िया के प्रदर्शन में काफी सराहा गया इसे उनके सबसे में से एक माना जाता है राणा विक्रम सिंह अपनी पत्नी लक्ष्मी और दो बेटों के साथ एक विशाल हाउस में रहते हैं राजेश एक पुलिस अधिकारी और अमर एक मजेदार प्लेबॉय है अमर की एंट्री उसके द्वारा भरी हुई रूसी रूलेट का एक राउंड खेलने के लिए शुरू होती है जैसे ही वह जीतता है और खुद को, को जाबाज घोषित करता है राजेश अपने प्यार सीमा को खोने के लिए एक दर्दनाक अनुभव से गुजरता है जब उसने एक नशीले पदार्थ माफिया नेता तेजा द्वारा जबरन दिए गए नशीली दवाओं को इंजेक्शन का कारण दम तोड़ दिया तो उन्होंने नशीली दवाओं को के खतरे को लड़ने की कसम खाई अंडरवर्ल्ड ना राणा राजा राणा के पुराने दोस्त की हत्या कर देता है उसके दोस्त को बेटी रेशमा प्र राणा के घर में शरण लेती है और राजेश ड्रम की तलाश में रेशमा के पिता राजा एक बहुत बड़ी सरता हार गए जिसके बाद राजा ने एक नकली दुर्घटना में उसकी हत्या कर दी जब रेशमा उसके घर रहने चली जाती है तो अमर घोड़े के अस्तबल में उसके साथ रहता है रेशमा से प्यार करने के बाद अमर ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया जब राणा के साथ अमर के रिश्ते के बारे में पता चलता है तो वह उसे चेतावनी देता है कि रेशमा उसके उनके परिवार के लिए उपयुक्त नहीं है रेशमा का दिल टूट गया लेकिन वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे बढ़ती रहती है और अमर रुचि रखता है कि वह फार्म हाउस में एक कर्मचारी सहित कर्मचारी विकास की कंपनी में रेशमा को देखकर इश्वा करता है और विकास और अमर के बीच लड़ाई होती है इस बीच भा... भारा इस बीच मारा जाता है विकास मारा जाता है तो अमर अब भाग रहा है और राजेश को उसे पकड़ने का काम सौंप दिया जाता है उत्पादन में रेशमा के रूप में डिंपल कपाड़िया की भूमिका से पहले रेखा को ऑफर दिया गया था संगीत साउंड कल्याण जी आनंद जी द्वारा रचित और गीत हर, हर किसी को बाद में बॉक्स ऑफिस 2013 के लिए चित्रन भट्ट द्वारा फिर से तैयार किया गया और गाने को प्यार दो प्यार लो दो, प्यार दो, प्यार को थैंक यू और मन, मर जावा के लिए दो बार रिक्रिएट रे, किया गया था अब इस गाने का नाम बदलकर एक एक तो कम जिंदगी तो कर दिया गया है राजेश के रूप में फिरोज खान ने किरदार निभाया था अमर सिंह के रूप में अनिल कपूर ने राणा विक्रम के रूप में अमरीशपुरी लक्ष्मी सिंह के रूप में सुषमा सेठ रेशमा के रूप में डिम्पल कपाड़िया सीमा के रूप में श्रीदेवी राजा के रूप में शक्ति कपूर राजा मुराद तेजा के रूप में रोकी के रूप में पुनीत और विकास के रूप में दिलीप ताहिल रेखा अतिथि भूमिका जोन के रूप में तेज सप्रू और रो, रोबोटिक डांसर के रूप में बारबी वाइल्ड संदर्भ में देखा गया था जाबाज सन उन्नीस मूवी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन बजट की अज्ञात तथ्य सन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के छत्तीस जनवरी 36 जनवरी 2021 को 18 दिसंबर 2021 को लिया गया था फिरोज खान फिरोज खान का जन्म 25 सितंबर सन उन्नीस को हुआ और इनकी मृत्यु 27 अप्रैल 2009 को हुई जन्म जुल्फिकार अली शाह खान एक भारतीय अभिनेता फिल्म संपादक निर्माता और निर्देशक थे जो भारतीय सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते थे उन्होंने अपने पूरे कैरियर में साठ से अधिक फिल्मों में काम किया और बॉलीवुड में लोकप्रिय स्टाइल में से एक एन बन गई आरजू उन्नीस औरत सफर मेला उपन्य उपासना अपराध जैसी फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता था कटखोटे खट सिक्के काला सोना धर्मात्मा नागिन कुर्बानी वेलकम उन्होंने जाबाज दयावान मेरे मन के यलगार प्रेम अगन जानसीन जैसी फिल्मों में निर्देशक अभिनय भी किया एक आदमी और इंसान के लिए सबसे सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता 2000 में फिल्म में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार को सम्मानित किया गया उन्हें भारतीय क्लिंट ईस्टवुड के नाम से भी जाना जाता था इनका जन्म बैंक लोर मैसूर साम्राज्य के कर्नाटक मैसूर साम्राज्य ब्रिटिश भारत वर्तमान कर्नाटक में हुआ था बैंगलो कर्नाटक भारत में ही इनकी मृत्यु हुई इनका दूसरा नाम क्लिंट ईस्टवुड के नाम से भी जाना जाता है। व्यवसाय अभिनेता फिल्म संपादक निर्माता और निर्देशक सक्रिय बस से, से लेकर 2007 तक रही जीवन साथी सुंदरी सेन की शादी उन्नीस में हुई और विभाग उन्नीस में बच्चे फरदीन खान समेत दो थे रिश्तेदार अब्बास खान भाई अकबर खान भाई सुजैन खान बच्ची थी और जायद खान भतीजा पुरस्कार फिल्म पर लाइफटाइम टाइम अचीवमेंट अवार्ड को सम्मानित किया गया फिरोज खान का जन्म 25 सितंबर उन्नीस को बेंगलोर भारत में सादिक अली खान तनोली के घर हुआ था जो अफगानिस्तान के के गजनी के एक अफगान थे और उनकी मां फातिमा ईरान के से फारसी वंश की थी खान की शिक्षा विपस कोटल बोजे स्कूल और सेट जॉर्मेन हाई स्कूल बेंगलोर में हुई उनके भाई साहब भाई साहबबास खान शाहरुख खान अली खान समीर खान और अकबर खान उनकी बहनें खुर्दी सहानवर और उनके दिल साहब दिलसाद दिल बेगम शेख और दिलसाद बीवी के नाम से मशहूर हैं बेंगलोर में अपनी स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने लंबे बॉम्बे की यात्रा की और जहां उन्होंने सौ उन्नीस साठ में दीदी में दूसरी मुख्य भूमिका के रूप में अपनी शुरुआत की 1960 से 1970 के दशक में शुरुआत में उन्होंने स्टार टैलो के विपरीत काम का बजट बजट कम बज़ट वाली फिल्मों में बनाई और उन्नीस में वह सिमी गरीवाल के साथ टार्जन टार्जन गोज टू इंडिया नामक एक, एक अंग्रेजी भाषा की फिल्म में दिखाई दी उनकी पहली बड़ी हिट उन्नीस में कड़ी मजुमदार और ऊंचे लोग थे जहां उनका मुकाबला स्क्रीन आइडल राजा कुमार और अशोक कुमार से था उन्होंने उल्लेखनीय संवेदनशील प्रदर्शन किया जिसके इसके बाद, बाद सैमसन का सपेरा सा, एक लुटेरा के चार दर्व से जैसी छोटी बजट की हिट फिल्मों में नजर आए अनिल कपूर अनिल कपूर एक भारतीय अभिनेता निर्माता और टेलीविजन अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में अलावा मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम करते हैं एक अभिनेता के रूप में 40 वर्षों से अधिक के करियर में दो हजार पांच से एक निर्माता के रूप में कपूर सौ से अधिक में दिखाई दिए कई प्रतिष्ठित लोकप्रिय के प्रतिष्ठित फिल्मों में के लिए पहचाने जाने वाले उन्हें दो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सात फिल्म फेयर पुरस्कार सहित कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया जन्म मुंबई भारत में उन्नीस में चौबीस दिसंबर को हुआ था व्यवसाय अभिनेता और निर्माता सैक्रेवर्स उन्नीस से वर्तमान तक इनके बच्चे सोनम रिया और हर्षवर्धन पिता सुरेंद्र कपूर पिता एन की सूची से इनको सम्मानित किया गया फिल्म निर्माता कपूर के घर में जन्मे उन्होंने तेलुगु फिल्म उन्नीस और कन्नड़ फिल्म पलवी अनुपलवी में अभिनय करने से पहले रोमांस हारे तुम्हारे हमारे तुम्हारे में एक छोटी भूमिका के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की और उनके कैरियर का एक्शन ड्रामा फिल्म रही है किसी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म में कपूर की पहली भूमिका डैनी बॉय की अकादमी पुरस्कार विजेता फिल्म इसक, इस्लाम डॉग मिली मिलियन ईयर में थी उनके लिए उन्होंने मोशन पिक्चर्स में कलाकारों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एक स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड साझा किया एक्शन सीरीज 24 के आठवें सीजन में उनके प्रदर्शन को अमेरिकी प्रेस सब से सबसे अच्छी समीक्षाएं मिली विश्व स्तर पर कपूर सबसे अधिक मान्यता प्राप्त भारतीय फिल्म अभिताओं में से एक थे प्रारंभिक जीवन कपूर का जन्म पंजाबी हिंदू परिवार 24 दिसंबर 1956 को चैम्बूर के चैम्बूर के निर्मल कपूर और फिल्म निर्माता सुरेंद्र कपूर के घर हुआ वह चार बच्चों में से दूसरे नंबर पर था और उनके बड़े भाई बोनी कपूर का एक फिल्म निर्माता और छोटे भाई संजय कपूर एक अभिनेता दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी और निर्माता मो मोना सोरी कपूर और दोनों बोनी की पत्नी उनकी भाभी ओ थी और नोएडा फिल्म सिटी में संस्थापक के माँ वहाँ स्टूडियो को मालिक संदीप मारवा उनके बहनोई फिल्म अभिनेता अर्जुन कपूर और मोहित मारवा उनके भतीजे जबकि अभिनेत्री जानवी कपूर उनकी भतीजी है और पृथ्वीराज कपूर एक का परिवार भी रिश्तेदार क्योंकि पृथ्वीराज कपूर उनके पिता के चचेरे भाई हैं कपूर ने 1970 में तूपाल तो तो पायल में गीत की युवा शशि कपूर की भूमिका निभाकर फिल्म में अपनी शुरुआत की और हालांकि फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो गई अनिल कपूर ने हिंदी फिल्मों में अपनी शुरुआत हमेशा मेरा की मेरा की भी, हमारे, हमारे तुम्हारे उन्नीस में एक छोटी सी भूमिका से की थी इसके बाद उन्होंने 1980 में अनुभवी बापू द्वारा निर्देशित तेलुगु फिल्म वृक्षम वा, ने मुख्य अभिनेता के लिए रूप में अभिनय किया उसी वर्ष वह दो और हिंदी फिल्मों में एक बार कहो हम पांच में भी दिखाई दिए उन्नीस में वह एम एस सेथ्यू की खांग से गुजरे गए दिखाई दिए और सकती उन्नीस में एक छोटी सी भूमिका निभाने के बाद उन्होंने मणिर की पलवी अनुपल्वी अनु के साथ कन्नड़ फिल्म में शुरुआत की जाबाज हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यूज जाबाज एक सन उन्नीस की भारतीय एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन फिरोज खान ने किया है जो नशीली दवाओं की लत और अनिल कपूर और डिंपल कपाड़िया की स्टीमी सीन के लिए चित्रण के लिए लोकप्रिय हुई श्रीदेवी एक कैमियो भूमिका में दिखाई दी उनके सुपर का फायदा उठाते हुए खान ने उन्हें हर हर किसी को नहीं मिलता यह प्यार जिंदगी में गाने का दिखाया जो चार्ट टॉपिंग हिट बन गया और यह फिल्म किंग विडोर की फिल्म ड्यू एल इंदर सन उन्नीस सौ छियालीस में काफी प्रेरित रही इसके बाद फिल्म को संपादित फिरोज खान ने किया संगीत कल्याण जी आनंद जी ने दिए रिलीज़ की तारीख 20 जून सन उन्नीस कार्यक्रम एक मिनट देश भारत भाषा हिंदी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और सह कलाकार अनिल कपूर दो साथ उनकी केमिस्ट्री और लव मेकिंग शीन के साथ डिम्पल कपाड़िया के प्रदर्शन में काफी सराहा गया इसे उनके सबसे में से एक माना जाता है राणा विक्रम सिंह अपनी पत्नी लक्ष्मी और दो बेटों के साथ एक विशाल हाउस में रहते हैं एक पुलिस अधिकारी और अमर एक मजेदार प्लेबॉय है अमर की एंट्री उसके द्वारा भरी हुई रूसी रूलेट का एक राउंड खेलने के लिए शुरू होती है जैसे ही वह जीतता है और खुद को, को जाबाज घोषित करता है राजेश अपने प्यार सीमा को खोने के लिए एक दर्दनाक अनुभव से गुजरता है जब उसने एक नशीले पदार्थ माफिया नेता तेजा द्वारा जबरन दिए गए नशीली दवाओं को इंजेक्शन का कारण दम तोड़ दिया तो उन्होंने नशीली दवाओं को के खतरे को लड़ने की कसम खाई अंडरवर्ल्ड सरगना राणा राजा राणा के पुराने दोस्त की हत्या कर देता है उसके दोस्त को बेटी रेशमा प्रिय राणा के घर में शरण लेती है और राजेश ड्रम की तलाश में रेशमा के पिता राजा एक बहुत बड़ी सरता हार गए जिसके बाद राजा ने एक नकली दुर्घटना में उसकी हत्या कर दी जब रेशमा उसके घर रहने चली जाती है तो अमर घोड़े के अस्तबल में उसके साथ रहता है रेशमा से प्यार करने के बाद अमर ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया जब राणा के साथ अमर के रिश्ते के बारे में पता चलता है तो वह उसे चेतावनी देता है कि रेशमा उसके उनके परिवार के लिए उपयुक्त नहीं है रेशमा का दिल टूट गया लेकिन वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे बढ़ती रहती है और अमर रुचि रखता है कि वह फार्म हाउस में एक कर्मचारी सहित कर्मचारी विकास की कंपनी में रेशमा को देखकर इच्छा करता है और विकास और अमर के बीच लड़ाई होती है इस बीच भा... भारा इस बीच मारा जाता है विकास मारा जाता है तो अमर अब भाग रहा है और राजेश को उसे पकड़ने का काम सौंप दिया जाता है उत्पादन में रेशमा के रूप में डिंपल कपाड़िया की भूमिका से पहले रेखा को ऑफर दिया गया था संगीत साउंड्रेक कल्याण जी आनंदी द्वारा रचित और गीत हर, हर किसी को बाद में बॉक्स ऑफिस द्वारा के लिए चित्रंद भट्ट द्वारा फिर से तैयार किया गया और गाने को प्यार दो प्यार लो दो, प्या को थैंक यू और मर जावा के लिए दो बार रिक्रिएट किया गया था अब इस गाने का नाम बदलकर एक एक तो कम जिंदगी तो जिंदगानी कर दिया गया है राजेश के रूप में फिरोज खान ने किरदार निभाया था अमर सिंह के रूप में अनिल कपूर ने राणा विक्रम के रूप में अमरीशपुरी लक्ष्मी सिंह के रूप में सुषमा सेठ रेशमा के रूप में डिम्पल कपाड़िया सीमा के रूप में श्रीदेवी राजा के रूप में शक्ति कपूर राजा मुराद तेजा के रूप में रोकी के रूप में पुनीत और विकास के रूप में दिलीप ताहिल रेखा अतिथि भूमिका के रूप में तेज और रो, रोबोटिक डांसर के रूप में बारबी वाइल्ड संदर्भ में देखा गया था जाबाज सन उन्नीस मूवी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन बजट की अज्ञात तथ्य सन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बेकस ऑफ़ दो जनवरी 2021 को 18 दिसंबर 2021 को लिया गया था फिरोज खान फिरोज खान का जन्म 25 सितंबर सन उन्नीस को हुआ और इनकी मृत्यु 27 अप्रैल 2009 को हुई जन्म जुल्फिकार अली शाह खान एक भारतीय अभिनेता फिल्म संपादक निर्माता और निर्देशक थे जो भारतीय सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते थे उन्होंने अपने पूरे कैरियर में साठ से अधिक फिल्मों में काम किया और बॉलीवुड में लोकप्रिय स्टाइल आइनकन में से एक एन बन गए आरजू उन्नीस औरत सफर मेला उपन्य उपासना अपराध जैसी फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता था खट्टे खटखोटे सिक्के काला सोना धर्मात्मा नागिन कुर्बानी वेलकम उन्होंने जाबाज मीत मेरे मन के लग यलगार प्रेम अगन जानसीन जैसी फिल्मों में निर्देशक अभिनय भी किया एक आदमी और इंसान के लिए सबसे सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता 2000 में फिल्मफेयर में फिल्म लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार को सम्मानित किया गया उन्हें भारतीय क्लिंट ईस्टवुड के नाम से भी जाना जाता था इनका जन्म बैंक बेंगलूर मैसूर साम्राज्य के कर्नाटक बिष्ट बैंक मैसूर साम्राज्य ब्रिटिश भारत वर्तमान कर्नाटक में हुआ था बैंगलोर कर्नाटक भारत में ही इनकी मृत्यु हुई इनका दूसरा नाम क्लिंट ईस्टवुड के नाम से भी जाना जाता था व्यवसाय अभिनेता फिल्म संपादक निर्माता और निर्देशक तकरीबन 1956 से, से लेके 2007 तक रही जीवन साथी सुंदरी सेन की शादी 1965 में हुई और विभाग 1985 में बच्चे फरदीन खान समेत दो थे रिश्तेदार अब्बास खान भाई अकबर खान भाई सुजैन खान बच्ची थी और भतीजा पुरस्कार फिल्म पर लाइफ टाइम अचीवमेंट से इनको सम्मानित किया गया फिरोज खान का जन्म 25 सितंबर उन्नीस को बेंगलोर भारत में सादिक अली खान तल, तनौली के घर हुआ था जो अफगानिस्तान के, के गजनी के एक अफगान थे और उनकी मां फातिमा ईरान से फारसी वंश की थी खान की शिक्षा बिपस कोटल बोजे स्कूल और सेट जॉर्मेन हाई स्कूल बेंगलोर में हुई उनके भाई शहब्बास भाई, खान शाहरुख खान अली खान अम, समीर खान और अकबर खान उनकी बहनें खुर्दी सहनवर और उनके दिल साहब दिलसाद दिल बेगम शेख और दिलसाद बीवी के नाम से मशहूर हैं बेंगलोर में अपनी स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने लंबे बॉम्बे की यात्रा की और जहां उन्होंने उन्नीस साठ में दीदी में दूसरी मुख्य भूमिका के रूप में अपनी शुरुआत की 1960 से 1970 के दशक में शुरुआत में उन्हें स्टार टैलो के विपरीत काम का बजट कम बजट वाली थ्रिएटर फिल्मों में बनाई और उन्नीस में वह सीमी गरीवाल के साथ टार्जन टारजन गोज टू इंडिया नामक एक अंग्रेजी भाषा की फिल्म में दिखाई दी उनकी पहली बड़ी हिट उन्नीस में कणी मजुमदार और ऊंचे लोग थे जहां उनका मुकाबला स्क्रीन आइडल राजा कुमार और अशोक कुमार से था उन्होंने उल्लेखनीय संवेदनशील प्रदर्शन किया जिसके इसके बाद, बाद सैमसन का स, सपेरा एक लुटेरा के चार दर्व से जैसी छोटी बजट की हिट फिल्मों में नजर आए अनिल कपूर अनिल कपूर एक भारतीय अभिनेता निर्माता और टेलीविजन अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में अलावा मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम करते हैं एक अभिनेता के रूप में 40 वर्षों से अधिक के करियर में दो हजार पांच से एक निर्माता के रूप में कपूर सौ से अधिक फिल्मों में दिखाई दिए कई प्रतिष्ठित लोकप्रिय के प्रतिष्ठित फिल्मों में के लिए पहचाने जाने वाले उन्हें दो राष्ट्रीय मुंबई भारत में उन्नीस में चौबीस दिसंबर को हुआ था व्यवसाय अभिनेता और निर्माता सैक्रेवर्स उन्नीस से वर्तमान तक इनके बच्चे सोनम रिया और हर्षवर्धन पिता सुरेंद्र कपूर पिता एन की सूची से इनको सम्मानित किया गया फिल्म निर्माता कपूर के घर में जन्मे उन्होंने तेलुगु उन्नीस और कन्नड़ फिल्म पलवी अनुपलवी में अभिनय करने से पहले रोमांस हारे तुम्हारे हमारे तुम्हारे में एक छोटी भूमिका के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की और उनके कैरियर का एक्शन ड्रामा फिल्म रही है किसी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म में कपूर की पहली भूमिका डैनी बॉय की अकादमी पुरस्कार विजेता फिल्म इसक, इस्लाम डोग मिली, मिलियन ईयर में थी उनके लिए उन्होंने मोशन पिक्चर्स में कलाकारों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एक स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड साझा किया एक्शन सीरीज 24 के आठवें सीजन में उनके प्रदर्शन को अमेरिकी प्रेस सबसे, से सबसे अच्छी समीक्षाएं मिली विश्व स्टार पर कपूर सबसे अधिक मान्यता प्राप्त भारतीय फिल्म अभिनेताओं में से एक थे प्रारंभिक जीवन कपूर का जन्म पंजाबी हिंदू परिवार 24 दिसंबर 1956 को चेंबूर के चेंबूर के निर्मल कपूर और फिल्म निर्माता सुरेंद्र कपूर के घर हुआ वह चार बच्चों में से दूसरे नंबर पर था और उसके, उनके बड़े भाई बॉबी कपूर का एक फिल्म निर्माता और छोटे भाई संजय कपूर एक अभिनेता दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी और निर्माता मो मोना सोरी कपूर और दोनों बोनी की पत्नी उनकी भाभी ओथी थी और नोएडा फिल्म सिटी में संस्थापक के मां वहाँ स्टूडियो को मालिक संदीप मारवा उनके बहनोई फिल्म अभिनेता अर्जुन कपूर और मोहित मारवा उनके भतीजे जबकि अभिनेत्री जानवी कपूर उनकी भतीजी है और पृथ्वीराज कपूर एक का परिवार भी रिश्तेदार क्योंकि पृथ्वीराज कपूर उनके पिता के चचेरे भाई हैं कपूर ने 1970 में तूपाल तो तो पायल में गीत की युवा शशि कपूर की भूमिका निभाकर फिल्मों में अपनी शुरुआत की और हालांकि फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज गई अनिल कपूर ने हिंदी फिल्मों में अपनी शुरुआत हमेशा मेरा की मेरा की भी, हमारे तुम्हारे उन्नीस में एक छोटी सी भूमिका से की थी इसके बाद उन्होंने 1980 में अनुभवी बापू द्वारा निर्देशित तेलुगु फिल्म वा, वामुषा वृक्षम ने मुख्य अभिनेता के लिए रूप में अभिनय किया उसी वर्ष वह दो और हिंदी फिल्मों में एक बार कहो हम पांच में भी दिखाई दिए उन्नीस में वह एम एस थ्यू की खांग से गुजरे गए दिखाई दिए और सकती उन्नीस में एक छोटी सी भूमिका निभाने के बाद उन्होंने मणिरतन की पलवी अनुपल्वी के साथ कन्नड़ फिल्म में शुरुआत की जाबाज हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यूज जांबाज एक सन उन्नीस की भारतीय एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन फिरोज खान ने किया है जो नशीली दवाओं की लत और अनिल कपूर और डिम्पल कपाड़िया की इसके स्टीमिंग इस सीन के लिए चित्रण के लिए लोकप्रिय हुई श्रीदेवी एक कैमियो भूमिका में दिखाई दी उनके सुपरस्ट्राड्रम का फायदा उठाते हुए खान ने उन्हें हर हर किसी को नहीं मिलता यह प्यार जिंदगी में गाने का दिखाया जो चार्ट टॉपिंग हिट बन गया और यह फिल्म किंग विडोर की फिल्म ड्यूएल इन इंदर सन उन्नीस में काफी प्रेरित रही इसके बाद फिल्म को संपादित फरोज खान ने किया संगीत कल्याण जी आनंद जी ने दिए रिलीज़ की तारीख 20 जून सन उन्नीस कार्यक्रम एक मिनट देश भारत भाषा हिंदी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और सह कलाकार अनिल कपूर दो साथ उनकी केमिस्ट्री और लव मेकिंग शीन के साथ डिम्पल कपाड़िया के प्रदर्शन में काफी सराहा गया इसे उनके सबसे में से एक माना जाता है राणा विक्रम सिंह अपनी पत्नी लक्ष्मी और दो बेटों के साथ एक विशाल फार्म हाउस में रहते हैं राजेश एक पुलिस अधिकारी और अमर एक मजेदार प्लेबॉय है अमर की एंट्री उसके द्वारा भरी हुई रूसी रूलेट का एक राउंड खेलने के लिए शुरू होती है जैसे ही वह जीतता है और खुद को, को जाबाज घोषित करता है राजेश अपने प्यार सीमा को खोने के लिए एक दर्दनाक अनुभव से गुजरता है जब उसने एक अंतरराष्ट्रीय नशीले पदार्थ माफिया नेता तेजा द्वारा जबरन दिए गए नशीली दवाओं को इंजेक्शन का कारण दम तोड़ दिया तो उन्होंने नशीली दवाओं के खतरे को लड़ने की कसम खाई अंडरवर्ल्ड सर ना राणा राजा राणा के पुराने दोस्त की हत्या कर देता है उसके दोस्त को बेटी रेस्मा प्रेय के घर में शरण लेती है और राजेश ड्रम की तलाश में रेशमा के पिता राजा एक बहुत बड़ी बहुत सरता हार गए जिसके बाद राजा ने एक नकली दुर्घटना में उसकी हत्या कर दी जब रेशमा उसके घर रहने चली जाती है तो अमर घोड़े के अस्तबल में उसके साथ रहता है रेशमा से प्यार करने के बाद अमर ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया जब राणा के साथ अमर के रिश्ते के बारे में पता चलता है तो वह उसे चेतावनी देता है कि रेशमा उसके उनके परिवार के लिए उपयुक्त नहीं है रेशमा का दिल टूट गया लेकिन वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे बढ़ती रहती है और अमर रुचि रखता है कि वह फार्म हाउस में एक कर्मचारी सहित कर्मचारी विकास की कंपनी में रेशमा को देखकर ईश्वर करता है और विकास और अमर के बीच लड़ाई होती है इस बीच भा... भारा इस बीच मारा जाता है विकास मारा जाता है तो अमर अब भाग रहा है और राजेश को उसे पकड़ने का काम सौंप दिया जाता है उत्पादन में रेशमा के रूप में डिंपल कपाड़िया की भूमिका से पहले रेखा को ऑफर दिया गया था संगीत साउंड रेक कल्याण जी द्वारा रचित और गीत हर किसी को हर किसी को बाद में बॉक्स ऑफिस दो के लिए चित्रन भट्ट द्वारा फिर से तैयार किया गया और गाने को प्यार दो प्यार दो प्यार लो को थैंक यू और मन मर के लिए दो बार रिक्रिएट रे, किया गया था अब इस गाने का नाम बदलकर एक तो कम जिंदगी एकत्र तो कम जिंदगानी कर दिया गया है राजेश के रूप में फिरोज खान ने किरदार निभाया था अमर सिंह के रूप में अनिल कपूर ने राणा विक्रम के रूप में अमरीशपुरी लक्ष्मी सिंह के रूप में सुषमा सेठ रेशमा के रूप में डिम्पल कपाड़िया सीमा के रूप में श्रीदेवी राजा के रूप में शक्ति कपूर राजा मुराद तेजा के रूप में रोकी के रूप में पुनीत और विकास के रूप में दिलीप ताहिल रेखा अतिथि भूमिका जोन के रूप में तेज सप्रू और रोबोटिक डांसर के रूप में बारबी वाइल्ड संदर्भ में देखा गया थे था मूवी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन बजट की अज्ञात का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन छत्तीस जनवरी दो हजार इक्कीस को अठारह दिसंबर दो हजार इक्कीस को लिया गया था फिरोज खान फिरोज खान का जन्म 25 सितंबर सन उन्नीस सौ उनतालीस को हुआ और इनकी मृत्यु 27 अप्रैल 2009 को हुई जन्म जुल्फिकार अली शाह एक भारतीय अभिनेता फिल्म संपादक निर्माता और निर्देशक थे जो भारतीय सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते थे उन्होंने अपने पूरे कैरियर में साठ से अधिक फिल्मों में काम किया और बॉलीवुड में लोकप्रिय स्टाइल आइनकन में से एक एन बन गई आरजू उन्नीस औरत सफर मेला उपन्या उपासना अपराध जैसी फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता था खट्टे, खट, सिक्के, काला सोना धर्मात्मा नागिन कुर्बानी, वेलकम उन्होंने दयावान, मेरे मन के यलगार प्रेम अगन जानसीन जैसी फिल्मों में निर्देशक की अभिनय भी किया एक आदमी और इंसान के लिए सबसे सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता 2000 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार को सम्मानित किया गया उन्हें भारतीय क्लिंट ईस्टवुड के नाम से भी जाना जाता था इनका जन्म लोर मैसूर साम्राज्य के कर्नाटक मैसूर साम्राज्य ब्रिटिश भारत वर्तमान कर्नाटक में हुआ था बैंगलोर कर्नाटक भारत में ही इनकी मृत्यु हुई इनका दूसरा नाम क्लिंट ईस्टवुड के नाम से भी जाना जाता था व्यवसाय अभिनेता फिल्म संपादक निर्माता और निर्देशक सेकरेवर्स उन्नीस से, से लेकर दो तक रही जीवन साथी सुंदरी सेन की शादी उन्नीस में हुई और विभाग उन्नीस में बच्चे फरदीन खान समेत दो थे रिश्तेदार अब्बास खान भाई अकबर खान भाई सुजैन खान बच्ची थी और जायद खान भतीजा पुरस्कार फिल्म पर लाइफ टाइम अचीवमेंट से इनको सम्मानित किया गया फिरोज खान का जन्म 25 सितंबर उन्नीस को बेंगलोर भारत में सादिक अली खान तनौली के घर हुआ था जो अफगानिस्तान के, के गजनी के एक अफगान थे और उनकी मां फातिमा ईरान से फारसी वंश की थी खान की शिक्षा बिपस कोटल बोजे स्कूल और सेट जर्मन हाई स्कूल बेंगलोर में हुई उनके भाई सहाब, भाई शाहब्बास खान शाहरुख खान अली खान समीर खान और अकबर खान उनकी बहनें खुर्दी सहनवर और उनके दिल साहब, दिलसाद दिल बेगम शेख और दिलसाद बीवी के नाम से मशहूर हैं बेंगलोर में अपनी स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने लंबे बॉम्बे की यात्रा की और जहां उन्होंने सौ साठ में दीदी में दूसरी मुख्य भूमिका के रूप में अपनी शुरुआत की 1960 से 1970 के दशक में शुरुआत में उन्हें स्टार टैलो के विपरीत काम का बजट कम बजट वाली थ्रिलर फिल्मों में बनाई और उन्नीस सौरेवाल के साथ टू इंडिया नामक एक अंग्रेजी भाषा की फिल्म में दिखाई दी उनकी बड़ी हिट सन उन्नीस में कड़ी मजुमदार और ऊंचे लोग थे जहां उनका मुकाबला स्क्रीन आइडल राजा कुमार और अशोक कुमार से था उन्होंने उल्लेखनीय संवेदनशील प्रदर्शन किया जिसके इसके बाद सैमसन का स, सपेरा एक लुटेरा के चार दर्फ से जैसी छोटी बजट की हिट फिल्मों में नजर आए अनिल कपूर अनिल कपूर एक भारतीय अभिनेता निर्माता और टेलीविजन अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में अलावा मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम करते हैं एक अभिनेता के रूप में 40 वर्षों से अधिक के करियर में दो हजार से एक निर्माता के रूप में कपूर सौ से अधिक फिल्मों में दिखाई दिए कई प्रतिष्ठित लोकप्रिय के प्रतिष्ठित फिल्मों में के लिए पहचाने जाने वाले उन्हें दो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सात फिल्म फेयर पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया इनका जन्म मुंबई भारत में उन्नीस में 24 दिसंबर को हुआ था व्यवसाय अभिनेता और निर्माता सकेवर्स उन्नीस सौ से वर्तमान तक इनके बच्चे सोनम रिया और हर्षवर्धन पिता सुरेंद्र कपूर पिता एन की रिश्तेदार पुरस्कार पूरी सूची से इनको सम्मानित किया गया फिल्म निर्माता सुरेंद्र कपूर के घर में जन्मे उन्होंने तेलुगु फिल्म वासमस वृक्षम उन्नीस और कन्नड़ फिल्म पलवी अनुपलवी में अभिनय करने से पहले रोमांस हारे तुम्हारे हमारे तुम्हारे में एक छोटी भूमिका के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की और उनके कैरियर का एक्शन ड्रामा फिल्म रही है किसी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म में कपूर की पहली भूमिका डैनी बॉय की अकादमी पुरस्कार विजेता फिल्म इस्लाम मिली मिलियन ईयर में थी उनके लिए उन्होंने मौसन पिक्चर्स में कलाकारों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एक स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड साझा किया एक्शन सीरीज चौबीस के आठवें सीजन में उनके प्रदर्शन को अमेरिकी प्रेस सब से सबसे अच्छी समीक्षाएं मिली विश्व स्तर पर कपूर सबसे अधिक मान्यता प्राप्त भारतीय फिल्म अभिताओं में से एक थे जीवन कपूर का जन्म पंजाबी हिंदू परिवार 24 दिसंबर 1956 को चैंबूर के चैंबूर के निर्मल कपूर और फिल्म निर्माता सुरेंद्र कपूर के घर हुआ वह चार बच्चों में से दूसरे नंबर पर था और उसके, उनके बड़े भाई बोनी कपूर का एक फिल्म निर्माता और छोटे भाई संजय कपूर एक अभिनेता दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी और निर्माता मो, मोना सोरी कपूर और दोनों बोनी की पत्नी उनकी भाभी ओथी और नोएडा फिल्म सिटी में संस्थापक के माँ वहाँ स्टूडियो को मालिक संदीप मारवा उनके बहनोई फिल्म अभिनेता अर्जुन कपूर और मोहित मारवा उनके भतीजे जबकि अभिनेत्री जानवी कपूर उनकी भतीजी है और पृथ्वीराज कपूर एक का परिवार भी रिश्तेदार क्योंकि पृथ्वीराज कपूर उनके पिता के चचेरे भाई है कपूर ने 1970 में तूपाल तो पाल तो में गीत की युवा ससी कपूर की भूमिका निभाकर फिल्म में अपनी शुरुआत की और हालांकि फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो गई अनिल कपूर ने हिंदी फिल्मों में अपनी शुरुआत हमेशा मेरा की मेरा की भी हमा, हमारे तुम्हारे उन्नीस में एक छोटी सी भूमिका से की थी इसके बाद उन्होंने 1980 में अनुभवी बापू द्वारा निर्देशित तेलुगु फिल्म वा, वामुशा वृक्षम में मुख्य अभिनेता के लिए रूप में अभिनय किया उसी वर्ष वह दो और हिंदी फिल्मों में एक बार कहो हम पांच में भी दिखाई दिए उन्नीस में वह एमएस एस सेथ्यू की कहा से गुजर गए दिखाई दिए और शक्ति में एक छोटी सी भूमिका निभाने के बाद उन्होंने मणिरत्न की पलवी अनु पलवी के साथ कन्नड़ फिल्म में शुरुआत की जाबान हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यूज जाबान एक सन की भारतीय एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन फिरोज खान ने किया है जो नशीली दवाओं की लत और अनिल कपूर और डिंपल कपाड़िया की इसके स्टीमी इस सीन के लिए चित्रण के लिए लोकप्रिय हुई श्रीदेवी एक कैमियो भूमिका में दिखाई दी उनके सुपर का फायदा उठाते हुए खान ने उन्हें हर हर किसी को नहीं मिलता यह प्यार जिंदगी में गाने का दिखाया जो चार्ट टॉपिंग हिट बन गया और यह फिल्म किंग विडोर की फिल्म ड्यूएल इन इंदर सन उन्नीस में काफी प्रेरित रही इसके बाद फिल्म को संपादित फिरोज खान ने किया संगीत कल्याण जी आनंद जी ने दिए रिलीज की तारीख 20 जून सन उन्नीस कार्यक्रम एक मिनट देश भारत भाषा हिंदी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और सह कलाकार अनिल कपूर दो साथ उनकी केमिस्ट्री और लव मेकिंग शीन के साथ डिम्पल कपाड़िया के प्रदर्शन में काफी सराहा गया इसे उनके सबसे में से एक माना जाता है राणा विक्रम सिंह अपनी पत्नी लक्ष्मी और दो बेटों के साथ एक विशाल हाउस में रहते हैं राजेश एक पुलिस अधिकारी और अमर एक मजेदार प्लेबॉय है अमर की एंट्री उसके द्वारा भरी हुई रूसी रूलेट का एक राउंड खेलने के लिए शुरू होती है जैसे ही वह जीतता है और खुद को, को जाबाज घोषित करता है राजेश अपने प्यार सीमा को खोने के लिए एक दर्दनाक अनुभव से गुजरता है जब उसने एक अंतर्राष्ट्रीय नशीले पदार्थ माफिया नेता तेजा द्वारा जबरन दिए गए नशीली दवाओं को इंजेक्शन का कारण दम तोड़ दिया तो उन्होंने नशीली दवाओं के खतरे को लड़ने की कसम खाई अंडरवर्ल्ड सर ना राणा राजा राणा के पुराने दोस्त की हत्या कर देता है उसके दोस्त को बेटी रेशमा प्रेरणा के घर में शरण लेती है और राजेश ड्रम की तलाश में रेशमा के पिता राजा एक बड़ी बहुत बड़ी सरता हार गए जिसके बाद राजा ने एक नकली दुर्घटना में उसकी हत्या कर दी जब रेशमा उसके घर रहने चली जाती है तो अमर घोड़े के अस्तबल में उसके साथ रहता है रेशमा से प्यार करने के बाद अमर ने उससे शादी करने से इंकार कर दिया जब राणा के साथ अमर के रिश्ते के बारे में पता चलता है तो वह उसे चेतावनी देता है कि रेशमा उसके उनके परिवार के लिए उपयुक्त नहीं है रेशमा का दिल टूट गया लेकिन वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे बढ़ती रहती है और अमर रुचि रखता है कि वह फार्म हाउस में एक कर्मचारी सहित कर्मचारी विकास की कंपनी में रेशमा को देखकर ईश्चा करता है और विकास और अमर के बीच लड़ाई होती है इस बीच भा... भारा इस बीच मारा जाता है विकास मारा जाता है तो अमर अब भाग रहा है और राजेश को उसे पकड़ने का काम सौंप दिया जाता है उत्पादन में रेशमा के रूप में डिंपल कपाड़िया की भूमिका से पहले रेखा को ऑफर दिया गया था संगीत साउंड रेक कल्याण जी द्वारा रचित और गीत हर किसी को हर किसी को बाद में बॉक्स ऑफिस 2013 के लिए चित्रन भट्ट द्वारा फिर से तैयार किया गया और गाने को प्यार दो प्यार दो प्यार लो को थैंक यू और मन, मर जावा के लिए दो बार रिक्रिएट रे, किया गया था अब इस गाने का नाम बदलकर एक तो कम जिंदगी तो जिंदगानी कर दिया गया है राजेश के रूप में फिरोज खान ने किरदार निभाया था अमर सिंह के रूप में अनिल कपूर ने राणा विक्रम के रूप में अमरीशपुरी लक्ष्मी सिंह के रूप में सुषमा सेठ रेशमा के रूप में डिम्पल कपाड़िया सीमा के रूप में श्रीदेवी राजा के रूप में शक्ति कपूर राजा मुराद तेजा के रूप में रोकी के रूप में पुनीत और विकास के रूप में दिलीप ताहिल रेखा अतिथि भूमिका जोन के रूप में तेज सप्रू और रो, रोबोटिक डांसर के रूप में बारबी वाइल्ड संदर्भ में देखा गया था जाबाज सन उन्नीस सौ छियासी मूवी पर कलेक्शन बजट की अज्ञात तथ्य सन उन्नीस का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के छत्तीस जनवरी दो जनवरी 2021 को 18 दिसंबर 2021 को लिया गया था फिरोज खान फिरोज खान का जन्म 25 सितंबर सन उन्नीस को हुआ और इनकी मृत्यु 27 अप्रैल 2009 को हुई जन्म जुल्फिकार अली शाह खान एक भारतीय अभिनेता फिल्म संपादक निर्माता और निर्देशक थे जो भारतीय सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते थे उन्होंने अपने पूरे कैरियर में साठ से अधिक फिल्मों में काम किया और बॉलीवुड बु, में लोकप्रिय स्टाइल आइनकन में से एक एन बन गए आरजू उन्नीस औरत सफर मेला उपन्य उपासना अपराध जैसी फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता था खट्टे खटखोटे सिक्के काला सोना धर्मात्मा नागिन कुर्बानी वेलकम उन्हों उन्होंने जाबाज दयावान मेरे मन के यलगार प्रेम अगन जानसीन जैसी फिल्मों में निर्देशक अभिनय भी किया एक आदमी और इंसान के लिए सबसे सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता 2000 में फिल्मफेयर में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार को सम्मानित किया गया उन्हें भारतीय क्लिं, क्लिंट ईस्टवुड के नाम से भी जाना जाता था इनका जन्म बैंक लोअर मैसूर साम्राज्य के कर्नाटक मैसूर साम्राज्य ब्रिटिश भारत वर्तमान कर्नाटक में हुआ था बैंगलोर कर्नाटक भारत में ही इनकी मृत्यु हुई इनका दूसरा नाम क्लिंट ईस्टवुड के नाम से भी जाना जाता था व्यवसाय अभिनेता फिल्म संपादक निर्माता और निर्देशक सक्रिय वर्ष सन से, से लेकर 2007 तक रही जीवन साथी सुंदरी सेन की शादी उन्नीस में हुई और विभाग उन्नीस में बच्चे फरदीन खान समेत दो थे रिश्तेदार अब्बास खान भाई अकबर खान भाई सुजैन खान बच्ची थी और खान भतीजा पुरस्कार फिल्म पर लाइफ टाइम अचीवमेंट को सम्मानित किया गया फिरोज खान का जन्म 25 सितंबर उन्नीस तो को बेंगलोर भारत में सादिक अली खान तल, तनौली के घर हुआ था जो अफगानिस्तान के, के गजनी के एक अफगान थे और उनकी मां फातिमा ईरान से फारसी वंश की थी खान की शिक्षा बिपस कोटल बोजे स्कूल और सेट जर्मेन हाई स्कूल बेंगलोर में हुई उनके भाई शहब्बास भाई, खान शाहरुख खान अली खान अम, समीर खान और अकबर खान उनकी बहनें खुर्दी सहनवर और उनके दिल साहब दिलसाद दिल बेगम शेख और दिलसाद बीवी के नाम से मशहूर हैं बेंगलोर में अपनी स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने लंबे बॉम्बे की यात्रा की और जहां उन्होंने उन्नीस सौ साठ में दीदी में दूसरी मुख्य भूमिका के रूप में अपनी शुरुआत की 1960 से 1970 के दशक में शुरुआत में उन्होंने स्टार टैलो के विपरीत काम का बजट कम बजट वाली थ्रिएटर फिल्मों में बनाई और उन्नीस में वह सिमी गरेवाल के साथ टार्जन टारजन गोज टू इंडिया नामक एक अंग्रेजी भाषा की फिल्म में दिखाई दी उनकी पहली बड़ी हिट सन उन्नीस सौ में कड़ी मजुमदार और ऊंचे लोग थे जहां उनका मुकाबला स्क्रीन आइडल राजा कुमार और अशोक कुमार से था उन्होंने उल्लेखनीय संवेदनशील प्रदर्शन किया जिसके इसके बाद सैमसन का सपेरा एक लुटेरा के चार दर्व से जैसी छोटी बजट की हिट फिल्मों में नजर आए अनिल कपूर अनिल कपूर एक भारतीय अभिनेता निर्माता और टेलीविजन अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में अलावा मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम करते हैं एक अभिनेता के रूप में 40 वर्षों से अधिक के करियर में दो हजार पांच से एक निर्माता के रूप में कपूर 100 से अधिक फिल्मों में दिखाई दिए कई प्रतिष्ठित लोकप्रिय के प्रतिष्ठित फिल्मों में के लिए पहचाने जाने वाले उन्हें दो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सात फिल्म फेयर पुरस्कार सहित कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया इनका जन्म मुंबई भारत में 1956 में 24 दिसंबर को हुआ था व्यवसाय अभिनेता और निर्माता तकरीबन 1974 से वर्तमान तक इनके बच्चे सोनम रिया और हर्षवर्धन पिता सुरेंद्र कपूर पिता एन पुरस्कार पूरी सूची से इनको सम्मानित किया गया फिल्म निर्माता सुरिंदर कपूर के घर में जन्मे उन्होंने तेलुगु फिल्म उन्नीस और कन्नड़ फिल्म पल्वी अनुपलवी में अभिनय करने से पहले रोमांस हारे तुम्हारे हमारे तुम्हारे में एक छोटी भूमिका के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की और उनके कैरियर का एक्शन ड्रामा फिल्म रही है किसी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म में कपूर की पहली भूमिका डैनी बॉय की अकादमी पुरस्कार विजेता फिल्म इसक, इस्लाम डॉग मिली मिलियन ईयर में थी उनके लिए उन्होंने मोशन पिक्चर्स में कलाकारों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एक स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड साझा किया एक्शन सीरीज 24 के आठवें सीजन में उनके प्रदर्शन को अमेरिकी प्रेस सब से सबसे अच्छी समीक्षाएं मिली विश्व स्टार पर कपूर सबसे अधिक मान्यता प्राप्त भारतीय फिल्म अभिनेताओं में से एक थे प्रारंभिक जीवन कपूर का जन्म पंजाबी हिंदू परिवार 24 दिसंबर 1956 को चेंबूर के चेंबूर के निर्मल कपूर और फिल्म निर्माता सुरेंद्र कपूर के घर हुआ वह चार बच्चों में से दूसरे नंबर पर था और उसके, उनके बड़े भाई बॉबी कपूर का एक फिल्म निर्माता और छोटे भाई सिंह कपूर एक अभिनेता दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी और निर्माता मो, मोना सोरी कपूर और दोनों बोनी की पत्नी उनकी भाभी ओथी थी और नोएडा फिल्म सिटी में संस्थापक के मां वहाँ स्टूडियो को मालिक संदीप मारवा उनके बहनोई फिल्म अभिनेता अर्जुन कपूर और मोहित मारवा उनके भतीजे जबकि अभिनेत्री जानवी कपूर उनकी भतीजी है और पृथ्वीराज कपूर एक का परिवार भी क्योंकि कपूर उनके पिता के चचेरे भाई है कपूर ने 1970 में तूपाल तो तो पायल में गीत की युवा शशि कपूर की भूमिका निभाकर फिल्म में अपनी शुरुआत की और हालांकि फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज गई अनिल कपूर ने हिंदी फिल्मों में अपनी शुरुआत हमेशा मेरा की मेरा की हुई हमारे तुम्हारे उन्नीस में एक छोटी सी भूमिका से की थी इसके बाद उन्होंने 1980 में अनुभवी बापू द्वारा निर्देशित तेलुगु फिल्म वृक्षम वा, वा ने मुख्य अभिनेता के लिए रूप में अभिनय किया उसी वर्ष वह दो और हिंदी फिल्मों में एक बार कहो हम पांच में भी दिखाई दिए उन्नीस में वह एम एस सेथ्यू की खांग से गुजरे गए दिखाई दिए और सकते उन्नीस में एक छोटी सी भूमिका निभाने के बाद उन्होंने मण्यत्तन की पलवी अनुपलवी अनु के साथ कन्नड़ फिल्म में शुरुआत की जाबाज हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यूज जाबाज एक सन उन्नीस की भारतीय एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन फिरोज खान ने किया है जो नशीली दवाओं की लत और अनिल कपूर और डिम्पल कपाड़िया की स्टीमिंग सीन के लिए चित्रण के लिए लोकप्रिय हुई श्रीदेवी एक कैमियो भूमिका में दिखाई दी उनके सुपरस्ट्राड्रम का फायदा उठाते हुए खान ने उन्हें हर हर किसी को नहीं मिलता यह प्यार जिंदगी में गाने का दिखाया जो चार्ट टॉपिंग हिट बन गया और यह फिल्म किंग विडोर की फिल्म ड्यूएल इन द सन उन्नीस में काफी प्रेरित रही इसके बाद फिल्म को संपादित फिरोज खान ने किया संगीत कल्याण जी आनंद जी ने दिए रिलीज की तारीख 20 जून सन उन्नीस कार्यक्रम एक मिनट देश भारत भाषा हिंदी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और सह कलाकार अनिल कपूर दो साथ उनकी केमिस्ट्री और लव मेकिंग शीन के साथ डिम्पल कपाड़िया के प्रदर्शन में काफी सराहा गया इसे उनके सबसे में से एक माना जाता है राणा विक्रम सिंह अपनी पत्नी लक्ष्मी और दो बेटों के साथ एक विशाल फार्म हाउस में रहते हैं राजेश एक पुलिस अधिकारी और अमर एक मजेदार प्लेबॉय है अमर की एंट्री उसके द्वारा भरी हुई रूसी रूलेट का एक राउंड खेलने के लिए शुरू होती है जैसे ही वह जीतता है और खुद को, को जाबाज घोषित करता है राजेश अपने प्यार सीमा को खोने के लिए एक दर्दनाक अनुभव से गुजरता है जब उसने एक अंतरराष्ट्रीय नशीले पदार्थ माफिया नेता तेजा द्वारा जबरन दिए गए नशीली दवाओं को इंजेक्शन का कारण दम तोड़ दिया तो उन्होंने नशीली दवाओं के खतरे को लड़ने की कसम खाई अंडरवर्ल्ड सर ना राणा राजा राणा के पुराने दोस्त की हत्या कर देता है उसके दोस्त को बेटी रेशमा प्रेरणा के घर में शरण लेती है और राजेश ड्रम की तलाश में रेशमा के पिता राजा एक बहुत बड़ी सरता हार गए जिसके बाद राजा ने एक नकली दुर्घटना में उसकी हत्या कर दी जब रेशमा उसके घर रहने चली जाती है तो अमर घोड़े के अस्तबल में उसके साथ रहता है रेशमा से प्यार करने के बाद अमर ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया जब राणा के साथ अमर के रिश्ते के बारे में पता चलता है तो वह उसे चेतावनी देता है कि रेशमा उसके उनके परिवार के लिए उपयुक्त नहीं है रेशमा का दिल टूट गया लेकिन वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे है। बढ़ती रहती है और अमर रुचि रखता है कि वह फार्म हाउस में एक कर्मचारी सहित कर्मचारी विकास की कंपनी में रेशमा को देखकर ईश्चा करता है और विकास और अमर के बीच लड़ाई होती है इस बीच भा... भारा इस बीच मारा जाता है विकास मारा जाता है तो अमर अब भाग रहा है और राजेश को उसे पकड़ने का काम सौंप दिया जाता है उत्पादन में रेशमा के रूप में डिंपल कपाड़िया की भूमिका से पहले रेखा को ऑफर दिया गया था संगीत साउंड कल्याण जी आनंद द्वारा रचित और गीत हर किसी को हर किसी को बाद में बॉक्स ऑफिस 2013 के लिए चित्रन भट्ट द्वारा फिर से तैयार किया गया और गाने को प्यार दो प्यार दो प्यार लो को थैंक यू और मन, मर जावा के लिए दो बार रिक्रिएट किया गया था अब इस गाने का नाम बदलकर एक तो कम जिंदगी, तो कर दिया गया है। राजेश के रूप में फिरोज खान ने किरदार निभाया था अमर सिंह के रूप में अनिल कपूर ने राणा विक्रम के रूप में अमरीशपुरी लक्ष्मी सिंह के रूप में सुषमा सेठ रेशमा के रूप में डिम्पल कपाड़िया सीमा के रूप में श्रीदेवी राजा के रूप में शक्ति कपूर राजा मुराद तेजा के रूप में, रोकी के रूप में पुनीत और विकास के रूप में दिलीप ताहिल रेखा अतिथि भूमिका के रूप में तेज सप्रू और रो, रोबोटिक डांसर के रूप में बारबी वाइल्ड संदर्भ में देखा गया था जाबाज सन उन्नीस सौ छियासी मूवी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन बजट की अज्ञात तथ्य सन उन्नीस का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बेकस ऑफ 27 जनवरी 2021 को 18 दिसंबर 2021 को लिया गया था फिरोज खान फिरोज खान का जन्म 25 सितंबर 1939 को हुआ और इनकी मृत्यु 27 अप्रैल 2009 को हुई जन्म जulfikar अली saah खान एक भारतीय अभिनेता फिल्म संपादक निर्माता और निर्देशक थे जो भारतीय सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते थे उन्होंने अपने पूरे करियर में 60 से अधिक फिल्मों में काम किया और बॉलीवुड बुली में लोकप्रिय स्टाइल में से एक एन बन गए। 1965 औरत सफर मेला उपासना अपराध जैसी फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता था कटखोटे खट सिक्के काला सोना धर्मात्मा नागिन कुर्बानी वेलकम उन्होंने जाबाज दयावान मीत मेरे मन के यलगार प्रेम अगन जानसीन जैसी फिल्मों में निर्देशक अभिनय भी किया एक आदमी और शान के लिए सबसे सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता 2000 में फिल्मफेयर में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार को सम्मानित किया गया उन्हें भारतीय क्लिंट ईस्टवुड के नाम से भी जाना जाता था इनका जन्म बेंगलोर मैसूर साम्राज्य के कर्नाटक मैसूर साम्राज्य ब्रिटिश भारत वर्तमान कर्नाटक में हुआ था बैंगलोर कर्नाटक भारत में ही इनकी मृत्यु हुई इनका दूसरा नाम क्लिंट ईस्टवुड के नाम से भी जाना जाता है। व्यवसाय अभिनेता फिल्म संपादक निर्माता और निर्देशक सक्रिय वर्ष सन से, से लेकर 2007 तक रही जीवन साथी सुंदरी सेन की शादी उन्नीस में हुई और विभाग उन्नीस में बच्चे फरदीन खान समेत दो थे रिश्तेदार अब्बास खान भाई अकबर खान भाई सुजैन खान बची थी और खान भतीजा पुरस्कार फिल्म पर लाइफ टाइम अचीवमेंट को सम्मानित किया गया फिरोज खान का जन्म 25 सितंबर उन्नीस को बेंगलोर भारत में सादिक अली खान तल, तनौली के घर हुआ था जो अफगानिस्तान के के गजनी के एक अफगान थे और उनकी माँ फातिमा ईरान से फारसी वंश की थी खान की शिक्षा दीपस कोटल बोजे स्कूल और सेट जर्मन हाई स्कूल बेंगलोर में हुई उनके भाई साहब भाई साहबबास खान शाहरुख खान अली खान समीर खान और अकबर खान उनकी बहनें खुर्दी सहनवर और उनके दिल साहब दिल दिलसाद बेगम शेख और दिलसाद बीवी के नाम से मशहूर हैं। बेंगलोर में अपनी स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने लंबे बॉम्बे की यात्रा की और जहां उन्होंने सन उन्नीस साठ में दीदी में दूसरी मुख्य भूमिका के रूप में अपनी शुरुआत की उन्नीस सौ साठ से उन्नीस सौ सत्तर के दशक में शुरुआत में उन्हें स्टार टेलो के विपरीत काम का बजट कम बजट वाली थ्रीटर फिल्मों में बनाई और उन्नीस सौ बासठ में वह सिमी गरेवाल के साथ टार्जन टार्जन गोज टू इंडिया नामक एक, एक अंग्रेजी भाषा की फिल्म में दिखाई दी उनकी पहली बड़ी हिट सन उन्नीस सौ पैंसठ में कड़ी मजुमदार और ऊंचे लोग थे जहां उनका मुकाबला स्क्रीन आइडल राजा कुमार और अशोक कुमार से था उन्होंने उल्लेखनीय संवेदनशील पर्थ, प्रदर्शन किया जिसके इसके बाद, बाद सैमसन का स, सपेरा एक लुटेरा के चार दर्व से जैसी छोटी बजट की हिट फिल्मों में नजर आए अनिल कपूर अनिल कपूर एक भारतीय अभिनेता निर्माता और टेलीविजन अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में अलावा मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम करते हैं एक अभिनेता के रूप में 40 वर्षों से अधिक के करियर में दो हजार पाँच से एक निर्माता के रूप में कपूर 100 से अधिक फिल्मों में दिखाई दिए कई प्रतिष्ठित लोकप्रिय के प्रतिष्ठित फिल्मों के लिए पहचाने जाने वाले उन्हें दो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सात फिल्म फेयर पुरस्कार सहित कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया इनका जन्म मुंबई भारत में 1956 में 24 दिसंबर को हुआ था व्यवसाय अभिनेता और निर्माता तकरीबन 1973 से वर्तमान तक इनके बच्चे सोनम रिया और हर्षवर्धन पिता सुरेंद्र कपूर पिता एन की रिश्तेदार पुरस्कार पूरी सूची से इनको सम्मानित किया गया फिल्म निर्माता सुरेंद्र कपूर के घर में जन्मे उन्होंने तेलुगु फिल्म वासमस वक्षवृक्षम 19 और कन्नड़ फिल्म पलवी अनुपलवी में अभिनय करने से पहले रोमांस हारे तुम्हारे हमारे तुम्हारे में एक छोटी भूमिका के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की और उनके करियर का एक्शन ड्रामा फिल्म रही है किसी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म में कपूर की पहली भूमिका डैनी बॉय की अकादमी पुरस्कार विजेता फिल्म इसक, इस्लाम डॉग मिलियन ईयर में थी उनके लिए उन्होंने मोशन पिक्चर्स में कलाकारों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एक स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड साझा किया एक्शन सीरीज 24 के आठवें सीजन में उनके प्रदर्शन को अमेरिकी प्रेस थे सबसे अच्छी समीक्षाएं मिली विश्व स्टार पर कपूर सबसे अधिक मान्यता प्राप्त भारतीय फिल्म अभिनेताओं में से एक थे प्रारंभिक जीवन कपूर का जन्म पंजाबी हिंदू परिवार 24 दिसंबर 1956 को चेंबूर के चेंबूर के निर्मल कपूर और फिल्म निर्माता सुरेंद्र कपूर के घर हुआ वह चार बच्चों में से दूसरे नंबर पर था और उसके, उनके बड़े भाई बोनी कपूर का एक फिल्म निर्माता और छोटे भाई संजय कपूर एक अभिनेता दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी और निर्माता मो मोना सोरी कपूर और दोनों बोनी की पत्नी उनकी भाभी ओथी थी और नोएडा फिल्म सिटी में संस्थापक के माँ वहाँ स्टूडियो को मालिक संदीप मारवा उनके बहनोई फिल्म अभिनेता अर्जुन कपूर और मोहित मारवा उनके भतीजे जबकि अभिनेत्री जानवी कपूर उनकी भतीजी है और पृथ्वीराज कपूर एक का परिवार भी क्योंकि कपूर उनके पिता के चचेरे भाई है कपूर ने 1970 में तूपाल तो तो पायल में गीत की युवा शशि कपूर की भूमिका निभाकर फिल्मों में अपनी शुरुआत की और हालांकि फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज गई अनिल कपूर ने हिंदी फिल्मों में अपनी शुरुआत हमेशा मेरा की मेरा की हुई हमारे तुम्हारे उन्नीस सौ में एक छोटी सी भूमिका से की थी इसके बाद उन्होंने 1980 में अनुभवी बापू द्वारा निर्देशित तेलुगु फिल्म वा, वामुषा वृक्षम ने मुख्य अभिनेता के लिए रूप में अभिनय किया उसी वर्ष वह दो और हिंदी फिल्मों में एक बार कहो हम पांच में भी दिखाई दिए उन्नीस में वह एम एस सेथ्यू की कहाँ से गुजरे गए दिखाई दिए और शक्ति उन्नीस में एक छोटी सी भूमिका निभाने के बाद उन्होंने मण्यत्न की पलवी अनुपलवी अनु के साथ कन्नड़ फिल्म में शुरुआत की जाबाज हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यूज जाबाज एक सन उन्नीस की भारतीय एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन फिरोज खान ने किया है जो नशीली दवाओं की लत और अनिल कपूर और डिंपल कपाड़िया की स्टीमी सीन के लिए चित्रण के लिए लोकप्रिय हुई श्रीदेवी एक कैमियो भूमिका में दिखाई दी उनके सुपरस्ट्राड्रम का फायदा उठाते हुए खान ने उन्हें हर हर किसी को नहीं मिलता यह प्यार जिंदगी में गाने का दिखाया जो चार्ट टॉपटिंग हिट बन गया और यह फिल्म किंग विडोर की फिल्म ड्यू एल इंदर सन उन्नीस सौ छियालीस में काफी प्रेरित रही इसके बाद फिल्म को संपादित फरोज खान ने किया संगीत कल्याण जी आनंद जी ने दिए रिलीज की तारीख 20 जून सन उन्नीस कार्यक्रम एक मिनट देश भारत भाषा हिंदी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और सह कलाकार अनिल कपूर दो साथ उनकी केमिस्ट्री और लव मेकिंग शीन के साथ डिम्पल कपाड़िया के प्रदर्शन में काफी सराहा गया इसे उनके सबसे में से एक माना जाता है राणा विक्रम सिंह अपनी पत्नी लक्ष्मी और दो बेटों के साथ एक विशाल फार्म हाउस में रहते हैं राजेश एक पुलिस अधिकारी और अमर एक मजेदार प्लेबॉय है अमर की एंट्री उसके द्वारा भरी हुई रूसी रूलेट का एक राउंड खेलने के लिए शुरू होती है जैसे ही वह जीतता है और खुद को को जाबाज घोषित करता है राजेश अपने प्यार सीमा को खोने के लिए एक दर्दनाक अनुभव से गुजरता है जब उसने एक अंतरराष्ट्रीय नशीले पदार्थ माफिया नेता तेजा द्वारा जबरन दिए गए नशीली दवाओं को इंजेक्शन का कारण दम तोड़ दिया तो उन्होंने नशीली दवाओं के खतरे को लड़ने की कसम खाई अंडरवर्ल्ड ना राणा राजा राणा के पुराने दोस्त की हत्या कर देता है उसके दोस्त को बेटी रेशमा प्र राणा के घर में शरण लेती